ठीक है, डाउट्स अपन डिस्कस नेक्स्ट टाइम करेंगे और आज अपन पढ़ते हैं, सो दैट यू विल गेट द टाइम ऑल्सो टू डिस्कस द डाउट्स, राइट। तो चलो अपन शुरू करते हैं, दैट इज डिकम्पोजिशन रिएक्शन की बात कर रहे थे अपन लास्ट टाइम, है ना। तो अभी भी अपन डिकम्पोजिशन रिएक्शन की बात कर रहे हैं, सो डिकम्पोजिशन रिएक्शन, राइट। जैसे अपन डिकम्पोजिशन रिएक्शन लिख रहे थे लास्ट टाइम कि व्हाट इज डिकम्पोजिशन वी आर डिस्कसिंग ना, तो अपन उसी को कंटिन्यू करते हैं। डिकम्पोजिशन रिएक्शन, हमने सल्फेट का डिकम्पोजिशन लिखा था, लाइक दैट वी हैव रिटन द डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो अभी अपन क्या करेंगे डिकम्पोजिशन रिएक्शन में, जैसा डिकम्पोजिशन होता है ना, ये कुछ पॉइंट अपन नोट करके लिख लेते हैं ऐसे डिकम्पोजिशन रिएक्शन में। तो एक पॉइंट अपन ऐसे लिखते हैं नोट करके डिकम्पोजिशन रिएक्शन में, दैट इज द डिकम्पोजिशन ऑफ, डिकम्पोजिशन ऑफ कार्बोनेट्स, बाइकार्बोनेट्स, नाइट्रेट्स एक्सेट्रा ऑफ इनर्ट मेटल्स, इनर्ट मेटल। इनर्ट मेटल कौन कौन सा होता है, जैसे सिल्वर होता है, मर्करी होता है, गोल्ड होता है, प्लेटिनम होता है, ये वो मेटल होता है जो रिएक्ट नहीं करते इसीलिए। तो डिकम्पोजिशन ऑफ द कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट और नाइट्रेट ऑफ दीज इनर्ट मेटल डू नॉट गिव ऑक्साइड, ये ऑक्साइड नहीं बनाते, डू नॉट गिव ऑक्साइड, ये ऑक्साइड नहीं बनाते। सो उनका जो डिकम्पोजिशन होता है, जैसे मैं सिल्वर कार्बोनेट लिखता हूं तो कार्बोनेट में माइनस टू है, इसलिए मुझे सिल्वर टू लिखना होगा। सो सिल्वर कार्बोनेट गिवन है अगर अपन का, और मैं इसका डिकम्पोजिशन लिखूंगा, तो अपन ने तो ये लिखा हुआ भाई, ऑल मेटल कार्बोनेट डिकम्पोज टू गिव मेटल ऑक्साइड प्लस CO2। लेकिन इस केस में क्या है, इसका ऑक्साइड बनता ही नहीं है, तो फिर अपन क्या करेंगे, इसको सिल्वर लिखेंगे और फिर CO2 लिखेंगे, CO2 तो आएगा, लेकिन इसका जो ऑक्सीजन है जो कि ऑक्साइड बनाना चाहिए था, वो क्या हो जाएगा, हाफ O2 में कन्वर्ट हो जाएगा, इसमें कन्वर्ट हो जाएगा, हाफ O2 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इट विल बी लाइक दिस, मतलब जो इनर्ट मेटल्स हैं, जो मेटल रिएक्ट नहीं करते हैं, उनके केस में अगर उनका कार्बोनेट है तो वो डिकम्पोज होके मेटल बनाएंगे और CO2 बनाएंगे और हाफ O2 बनाएंगे, लेकिन वो ऑक्साइड नहीं बनाएंगे क्योंकि उनके ऑक्साइड अनस्टेबल होते हैं, वो बनते ही नहीं है। ठीक है, एक बात। दूसरी बात, जैसे अगर किसी सॉल्ट है अपने पास, कोई स्ट्रॉन्ग सॉल्ट है, आयनिक सॉल्ट है, आयनिक कंपाउंड जैसे होते हैं ना, KCl होगा, KNO लाइक दैट ना, जैसे क्लोराइड्स होते हैं, ब्रोमाइड्स होते हैं, इस टाइप से अगर अपने पास कोई आयनिक कंपाउंड है, ठीक है, तो अगर इस टाइप से अपने पास कोई आयनिक कंपाउंड है ना, तो अपन क्या कर सकते हैं, उस आयनिक कंपाउंड में, जैसे मैं एक दूसरा पॉइंट लिख रहा हूं कि मेरे पास KCl वगैरह जैसे आयनिक कंपाउंड होते हैं, और इनके अगर जैसे KCl है, NaCl है, राइट, या NaBr है, KBr है, लाइक दैट, तो अगर इनके ऑक्साइड्स हैं, कोई भी ऑक्साइड्स, उनमें ऑक्सीजन गिवन है अगर, तो इनके डिकम्पोजिशन से आयनिक कंपाउंड का बॉन्ड कभी ब्रेक नहीं होता, आयनिक कंपाउंड का बॉन्ड ब्रेक नहीं होगा, और उसमें क्या डिकम्पोज होगा, ऑक्सीजन लिबरेट होगा हमेशा, क्या लिबरेट होगा, ऑक्सीजन लिबरेट होगा। अब कभी भी जैसे अपन बैलेंसिंग वगैरह करते हैं ना रिएक्शन की, तो जो एलिमेंटल फॉर्म, मतलब जो सिर्फ सिंगल एटम वाला मॉलिक्यूल होगा, हम उसे बैलेंस हमेशा लास्ट में करते हैं। तो KCl तो बैलेंस है, हमको बैलेंस क्या करना है, वहां पर ऑक्सीजन, तो अपन यहां पर क्या लिखेंगे, यहां थ्री ऑक्सीजन है, वहां टू है, तो अपन इसको थ्री से मल्टीप्लाई कर दो, इसको टू से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये टू थ्री या सिक्स हो गया, ये थ्री टू या सिक्स हो गया, KCl को तो हम ऐसे बैलेंस करते हैं, ये KCl। तो हर बार आपको थोड़ा बैलेंसिंग भी चेक करना पड़ेगा, हर बार आपको थोड़ा बैलेंसिंग भी चेक करना पड़ेगा, ठीक है। फिर न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है, तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में अपन को पता है, एक एसिड होगा, एक बेस होगा, दैट इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन।
न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस अगर लिखेंगे अपन तो एक एसिड होगा एक बेस होगा। अब उसके लिए हमको थोड़ा आइडिया होना चाहिए कि कौन सा एसिड होता है कौन सा बेस होता है। तो अपन कहेंगे भाई जैसे मान लो मेरे पास गिवन है NaOH गिवन है और इसको अपन H2SO4 से रिएक्ट कर देते हैं तो थोड़ा आइडिया अपन सबको होता है कि एक एसिड है एक बेस है। तो अगर एसिड और बेस होगा तो हम क्या बनाएंगे सॉल्ट और वाटर बनाते हैं तो अपन सॉल्ट और वाटर बनाते हैं। तो यहाँ पर अपन बोल देंगे भाई Na2SO4 सॉल्ट बन जाएगा और इसमें वाटर बन जाएगा क्योंकि H2SO4 इज अ डाइप्रोटिक एसिड दो प्रोटॉन देने वाला एसिड तो अपन को ना दो OH भी चाहिए क्योंकि न्यूट्रलाइजेशन H+ आयन और OH नेगेटिव आयन का होता है तो जितने प्रोटॉन ये दे सकता है उतने ही OH इसको देने पड़ेंगे और उतना ही वाटर मॉलिक्यूल बने। लाइक दैट वी कैन थिंक अबाउट द न्यूट्रलाइजेशन। तो फिर जैसे कंबशन रिएक्शन है वी नो दैट भाई अगर आप कंबशन रिएक्शन की बात करोगे तो कंबशन रिएक्शन अपन ऐसे बता देंगे उसमें किसी को बर्न करना होता है किसी का बर्निंग जो होता है दैट इज कॉल्ड कंबशन रिएक्शन। तो अब बर्निंग अगर लिखेंगे अपन तो ठीक है भाई किसी को बर्न करेंगे तो कंबशन रिएक्शन होगा तो अपन कहेंगे भाई कंबशन रिएक्शन। तो कंबशन रिएक्शन मतलब होगा किसी को बर्न करेंगे तो ऑक्सीजन का एडिशन होता है कंबशन रिएक्शन। तो अपन ऐसे बोल सकते हैं सपोज हमारे पास ऐसे CH4 है और इसका कंबशन करता है तो ये तो हाइड्रोकार्बन है हाइड्रोकार्बन के कंबशन में अपन क्या बोलते हैं कि जितना कार्बन है उतना CO2 बना दो और जो वाटर है वो जो H+ है वो उसको सारा का सारा वाटर बना दो तो अपने पास कितने हाइड्रोजन से 4 तो 2 वाटर मॉलिक्यूल्स बन सकते हैं। तो जब भी हाइड्रोकार्बन का कंबशन होता है बर्निंग होता है तो अपन क्या बोलते हैं कि भाई जितने कार्बन है उतने कार्बन डाइऑक्साइड बना दो और जितने हाइड्रोजन है उतने उसके हाफ वाटर मॉलिक्यूल बना दो बिकॉज जितने हाइड्रोजन होंगे तो ये एक वाटर में 2 हाइड्रोजन होते हैं तो उसका जितना हाइड्रोजन है उसका हाफ वाटर मॉलिक्यूल बना दो। अब अपन बैलेंस कर लेंगे भाई इधर 2 ऑक्सीजन है इसके साथ और 2 ऑक्सीजन इसके साथ भी है तो अपन को यहाँ पर 4 ऑक्सीजन एटम चाहिए तो विल राइट लाइक दिस इज कंबशन। कंबशन नॉट ओनली दिस अपन इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कंबशन एक रिएक्शन ये भी है अपन ये भी कंबशन रिएक्शन बोलेंगे दिस इज ऑल्सो कंबशन रिएक्शन वाटर बना देते हैं तो अपन क्या करेंगे इसको ट्वाइस करेंगे लो भाई बैलेंस तो यहां पर अपन कहेंगे हमने हाइड्रोजन का कंबशन किया यहां भी तो आप हाइड्रोजन का ही कंबशन करके वाटर बना रहे थे तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन जिस रिएक्शन में होगा ना इट इज लाइक अ कंबशन और ऑक्सीडेशन रिएक्शन तो अपन ऐसे भी कंबशन बोल देते हैं। तो लाइक दिस वी कैन राइट दैट मेनी रिएक्शंस अपन काफी सारे रिएक्शंस लिख सकते हैं। फिर जैसे अपन लिखते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में अपन कहेंगे भाई डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस भी होते हैं तो अपन क्या करेंगे एक को दूसरे से डिस्प्लेस करवा देंगे तो एक सॉल्ट होगा वो दूसरे सॉल्ट को डिस्प्लेस करेगा। जैसे सपोज अपने पास ऐसे गिवन है अगर हमारे पास गिवन है दैट इज अपन ने का भाई अपन ने ना ऐसे लिखा जिंक जैसे जिंक क्लोराइड लिखा और इसको ना PbNO3 से रिएक्ट करवा दिया ऐसे लेड नाइट्रेट से तो अपन कहेंगे अब इसमें डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होगा तो अपन कहेंगे लेड ना जिंक को डिस्प्लेस करेगा लेड क्या करेगा जिंक को डिस्प्लेस करेगा तो अपन कहेंगे और डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में सबसे बढ़िया बात यह होता है इसके कैटायन को इसके एनायन से रिप्लेस कर दो और इसके एनायन को इसके कैटायन से रिप्लेस कर दो तो अपना आंसर आ जाएगा। तो अपन क्या करेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में जो इसके एनायन से वो इसके एनायन से एक्सचेंज कर दो तो अपन देखेंगे भाई जिंक नाइट्रेट बन गया ठीक है जिंक नाइट्रेट बन जाएगा और PbCl2 बन गया इसको डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं अपन एक दूसरे को डिस्प्लेस करवा रहे हैं ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ठीक है। तो ये आपके टाइप्स ऑफ रिएक्शंस हैं जो अपन कल पढ़ रहे थे तो ये डिफरेंट टाइप ऑफ रिएक्शंस का मैंने आपको आइडिया दिया। अब अपन पढ़ सकते हैं मोल कॉन्सेप्ट क्योंकि अब जो मोल कॉन्सेप्ट में ये सारा का सारा बेसिक पार्ट में ही आएगा मतलब जो इंट्रोडक्शन टू केमिस्ट्री है एक तरीके से ये भी इंट्रोडक्शन टू केमिस्ट्री है जो मोल कॉन्सेप्ट वाला पार्ट होता है। अब अपन शुरू करते हैं क्योंकि अब
हमने काफी सारा पार्ट थोड़ा सा देख लिया कि हमें किस तरीके से मूल कॉन्सेप्ट को डिस्कस करना है. नाउ वी कैन डिस्कस अबाउट कॉन्सेप्ट. ठीक है, अब मूल कॉन्सेप्ट की बात करते हैं. पर अब जो मूल कॉन्सेप्ट की अपन बात करेंगे तो अपन कहेंगे भाई पहले भी तो आप मूल कॉन्सेप्ट की बात कर रहे थे, पहले भी आपने मूल्स बताए मुझे, लेकिन अब हम मूल कॉन्सेप्ट को स्टोइकोमेट्री बोलेंगे. जैसे जब कोई रिएक्शन में अपन ये बैलेंसिंग करते हैं ना, ये जो टू लिखा हुआ है ऐसे ना, दीज नंबर्स आर कॉल्ड स्टोइकोमेट्रिक कोफिशियंट. स्टोइकोमेट्री होता है बैलेंसिंग ऑफ रिएक्शन के बारे में. तो दीज नंबर्स जो यहां लिखा ना, इधर टू, इधर वन, इधर टू, ये दीज आर कॉल्ड द मोलर कोफिशियंट्स या फिर स्टोइकोमेट्रिक कोफिशियंट्स. तो अपन रिएक्शन में ऐसे बोल सकते हैं कि देखो भाई, टू मोल्स ऑफ हाइड्रोजन रिएक्ट्स विद वन मोल ऑफ ऑक्सीजन टू गिव टू मोल्स ऑफ H2O. दीज आर कॉल्ड स्टोइकोमेट्रिक कोफिशियंट्स. तो ठीक है, विल राइट दैट कि भाई दीज आर कॉल्ड स्टोइकोमेट्रिक कोफिशियंट, इसका टू मोल्स, इसका वन मोल, इसका टू मोल्स. उससे भी पहले अपन एक और बात लिख सकते हैं, दैट इज कुछ कुछ पार्ट और ऐसे लिख सकते हैं अपन, जैसे स्टोइकोमेट्रिक कोफिशियंट्स में ना वॉल्यूम्स के लिए कि भाई जैसे अपने पास ऐसे गिवन होता ना, दैट इज कॉल्ड गिव सिक्स लॉ. अब डिकम्पोजिशन रिएक्शन की बात नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूँ गेलुसेक्स लॉ की. तो उसको अपन लियोसेक्स लॉ ऐसे अपन लिख देते हैं. तो चलो देखते हैं अपन में क्या होता है. गेलुसेक्स लॉ, व्हाट ही सेज दैट इज कि अगर कोई कांस्टेंट वॉल्यूम है, एट कांस्टेंट वॉल्यूम, एट कांस्टेंट उसके लिए अपन कहेंगे कि वो वॉल्यूम्स रिलेटेड है. वैसे गेलुसेक्स लॉ इज रिलेटेड टू द वॉल्यूम्स. तो वो क्या कहता है कि भाई एट कांस्टेंट प्रेशर एंड टेम्परेचर, मतलब उसके हिसाब से एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर, ठीक है, वॉल्यूम चेंज होगा. कांस्टेंट प्रेशर एंड टेम्परेचर, मतलब अगर टेम्परेचर और प्रेशर कांस्टेंट कर दिया, तो जब भी आप गैसेस की बात करो ना, तो हमेशा इसको सोचो इविजिबल बाय दैट. तो अगर आपने ये कांस्टेंट बोल दिया, ये कांस्टेंट बोल दिया, तो ये तो कांस्टेंट है, और इसका मतलब यू आर राइटिंग दैट वी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू है. मतलब अगर अपन से गैसेस के बारे में कभी भी बात करेंगे, क्योंकि पूरा केमिस्ट्री में हमको जब भी गैसेस की बात करेंगे, इट इज ऑफ आइडियल गैस. तो अपन क्या करेंगे, एट कांस्टेंट प्रेशर एंड टेम्परेचर, मतलब ये दोनों कांस्टेंट होते हैं, इफ द गैसेस रिएक्ट्स, अपन रिएक्शन की बात कर रहे हैं, इफ द गैसेस रिएक्ट्स टू फॉर्म गैशियस प्रोडक्ट, मतलब गैसेस रिएक्ट करें और गैशियस प्रोडक्ट बने, टू फॉर्म द गैशियस प्रोडक्ट, द गैशियस प्रोडक्ट, देन their molar coefficients, है ना, जो उनके molar coefficients होता है ना, then their molar coefficient always bears a simple whole number ratio. Molar coefficient always bears have a simple whole number ratio. Whole number ratio. तो उनका जो react करने का जो molar coefficients होता है, they will always bear a सिंपल और नंबर रेशियो. जैसे एग्जांपल लेते हैं अपन, एग्जांपल के लिए अगर अपन लिखेंगे, तो जैसे अपन को लिखा होगा भाई H2 है, H2 रिएक्ट्स विद Cl2 टू गिव यू ट्वाइस ऑफ HCl. ये ऐसे होता है, H2 विल रिएक्ट विद Cl2 टू गिव यू ट्वाइस ऑफ HCl. तो इसका अपन लिख सकते हैं भाई, देखो अगर एट कॉन्स्टेंट PNT, तो अपन क्या कर सकते हैं, अगर प्रेशर और टेम्परेचर कांस्टेंट है, R भी कांस्टेंट है, तो जो इनके नंबर ऑफ मोल्स है ना, जैसे अपन इसको लिख सकते हैं, इसका वन मोल इसके वन मोल से रिएक्ट करेगा टू गिव टू मोल्स ऑफ दिस. तो मैं मोल्स को क्या लिख सकता हूं, वॉल्यूम भी लिख सकता हूं. मतलब मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं,
इसका वन वॉल्यूम, इसके वन वॉल्यूम से रिएक्ट करेगा तो इसका टू वॉल्यूम्स बन जाएगा, ऐसे बोल सकते हैं। तो आप नंबर ऑफ मोल्स को वॉल्यूम बोल सकते हो और वॉल्यूम को नंबर ऑफ मोल्स बोल सकते हैं, लेकिन ये मोल्स के वैल्यूज कहां से आएंगे, तो मोलर कोफिशिएंट्स से आएंगे, दीज आर कॉल्ड मोलर कोफिशिएंट्स, वहां से बता सकते हैं। तो आप वॉल्यूम को मोल्स बोल सकते हो, वॉल्यूम को मोल्स बोल सकते हो, मोल्स को वॉल्यूम बोल सकते हो, लेकिन ये कंडीशन गिवन होनी चाहिए वहां पर। सो व्हेन द गैसेस, ये भी गैस है, हाइड्रोजन गैस, क्लोरीन गैस भी है और एचसीएल गैस होता है। तो व्हेन द गैसेस रिएक्ट्स, राइट ना, इफ द गैसेस रिएक्ट्स टू फॉर्म, ये गैसेस रिएक्ट करेंगे टू फॉर्म द गैसेस, देन देयर मोलर कोफिशिएंट्स, देन देयर मोलर कोफिशिएंट मतलब ये ऑलवेज बियर्स अ सिंपल होल नंबर रेशियो। सो रिएक्ट्स टू फॉर्म द गैशियस प्रोडक्ट, तो अपन इसमें गैशियस प्रोडक्ट भी लिख सकते हैं, इसको ये अपन प्रोडक्ट भी जॉइन कर सकते हैं। तो भाई अपन प्रोडक्ट की भी बात कर रहे हैं, अपन केमिकल रिएक्शन की बात कर रहे हैं। तो चलो एक एग्जांपल और लेके देखते हैं, और उस एग्जांपल में अपन क्या क्या लिख सकते हैं मोलर कोफिशिएंट्स को, वो सारा ही देख लेंगे। सपोज मेरे पास एक दूसरा रिएक्शन है, मैंने ऐसे लिखा उसको, मैंने कहा भाई एन टू प्लस थ्री एच टू गिव्स यू ट्वाइस ऑफ एनएच थ्री, ये अपने पास के बाद अपन क्या करेंगे, एट कॉन्स्टेंट, अगर मुझे गिवन है कि भाई कॉन्स्टेंट प्रेशर एंड टेम्परेचर है, तो अपन तो इसमें गिवन है कि जो ये रिएक्शन मैंने किया एट कॉन्स्टेंट है ना, पी एंड टी, ये मुझे गिवन था इस रिएक्शन, ठीक है। तो अपन को पता था ये कि भाई कॉन्स्टेंट पीवी इज इक्वल टू एन आर टी होता है, अगर ये कॉन्स्टेंट है, ये कॉन्स्टेंट है, ये कॉन्स्टेंट है, ये भी कॉन्स्टेंट है, तो वी इज प्रोपोर्शनल टू एन, वो तो अभी लिखा था अपन। तो अपन क्या करेंगे, इधर ऐसे लिखेंगे, अब ना देखो इसका मोलर कोफिशिएंट है 1, 3 और 2, अब इसके मोलर कोफिशिएंट अपन देख के बता सकते हैं, जो रिएक्शन को अपन बैलेंस करते हैं ना उन्हीं को ही, और जो बैलेंसिंग में जो नंबर्स आते हैं ना रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए, उन्हीं को हम मोलर कोफिशिएंट्स बोलते हैं। तो अपन कहेंगे भाई इसका 1 मोल, ये इधर 1, इसके 3 मोल से रिएक्ट करता है, इसके 2 मोल्स बनते हैं, तो मैं ऐसे भी बोल सकता हूं इसका 1 लीटर, इसका मैं एमएल भी लिख सकता हूं, मेरी मर्जी, क्योंकि वॉल्यूम कुछ भी हो सकता है भाई, नंबर ऑफ मोल्स के लिए आई एम नॉट टेलिंग कि ये वॉल्यूम एमएल में नहीं हो सकता, अपन एमएल में भी लिख सकते हैं वॉल्यूम। इसके 3 लीटर से रिएक्ट करेगा तो इसका 2 लीटर बनेगा। अब अपन को ऐसा नहीं दिखना चाहिए ना, अच्छा इसका 1 लीटर है, इसका 3 लीटर है, चलो 4 लीटर बना देते हैं, क्योंकि इधर तो ऐसे ही लग रहा था मुझे, 1 लीटर इसका, 1 लीटर इसका, 2 लीटर बन गया, चलो हो गया। इसलिए मैंने नेक्स्ट एग्जांपल लिया ताकि आप मोलर कोफिशिएंट से कोरिलेट करना सीखो। ठीक है, ताकि अपन मोलर कोफिशिएंट से कोरिलेट करना सीखेंगे। तो इसका 1 मोल इसके 3 मोल से रिएक्ट करेगा तो इसके 2 मोल्स बनेंगे। इसका 1 लीटर, या फिर अपन ऐसे लिख सकते हैं, मतलब दैट इज अकॉर्डिंग टू गेल रिसर्च लॉ, भाई इसका 1 लीटर इसके 3 लीटर से रिएक्ट करेगा तो इसके 2 लीटर बनेंगे। अपन इसको ऐसे भी लिख सकते हैं N2, इसका 1 मॉलिक्यूल इसके 3 मॉलिक्यूल से रिएक्ट करेगा तो इसका 2 मॉलिक्यूल बनेगा, ऐसे लिख सकते हैं। जो अपने नंबर ऑफ मोल्स लिखा था ना, 1 मोल को सिर्फ इसको क्या करना है, अपन को एवोगाड्रो नंबर से ही तो मल्टीप्लाई करना है, तो इधर भी एनए होगा, इधर भी एनए से मल्टीप्लाई कर दो तो मॉलिक्यूल आ जाएगा, इधर भी एनए होगा, इधर भी एनए होगा, तो एनए से मल्टीप्लाई करो मोल्स को तो मॉलिक्यूल आते हैं ना, तो अज्यूम कर लेते हैं भाई, रेशियो अज्यूम कर लेते हैं, रेशियो ना जो अपन ले रहे हैं, किस रेशियो में वो रिएक्ट करेंगे, तो अपन रेशियो, तो अपन इस टाइप से लिख सकते हैं कि भाई इसका 1 मॉलिक्यूल इसका, या फिर अपन ऐसे भी लिख सकते हैं वॉल्यूम के लिए, जैसे अपने लीटर्स लिखा हुआ ना, चलो अज्यूम कर लेते हैं एसटीपी कंडीशन, मतलब स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर ले लेता हूं, तो फिर जब अपन स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर लिखेंगे ना, तो देन वी कैन राइट लाइक दिस, इसका 1 मोल है ना, मतलब इसका 22.4 लीटर,
इसके 3 × 22.4 से रिएक्ट कर लेगा, तो इसका 2 × 22.4 बन जाएगा, ये वॉल्यूम बन जाएगा, ये भी चलेगा, तो ये भी लिख सकते हैं भाई इसका 1 mole occupies 22.4 लीटर एट एसटीपी कंडीशन। तो अगर बस हमें ये पता रहेगा कि यहां पर कोई भी टेम्परेचर प्रेशर कांस्टेंट नहीं होगा, यहां पर अपन कहेंगे एसटीपी कंडीशन की बात कर रहे हैं, ये एसटीपी कंडीशन फॉर द गैसेस। सो दिस इज गिवन एक्स, ठीक है, इसको अपन कहते हैं गिवन एक्स कि भाई आप नंबर ऑफ मोल्स को वॉल्यूम भी लिख सकते हैं अगर क्वेश्चन में जरूरत पड़ेगा तो। अब जैसे गैलोसिक्स लॉ, वैसे अपन अदर लॉज ऑफ कॉम्बिनेशन भी बता सकते हैं कि भाई अदर लॉज ऑफ कॉम्बिनेशन जो होते हैं वो क्या होते हैं, तो एक बार देख लेते हैं भाई अपन अदर लॉज ऑफ कॉम्बिनेशन। फिर एक लॉज होता है, एक लॉ होता है जिसको अपन कहते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ठीक है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास व्हिच इज गिवन बाय लेवोसियर। तो अपन कहेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का होता है मतलब होता है कि भाई इसमें ये बोलते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास में कि टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट इन अ बैलेंस केमिकल रिएक्शन है, ये है इन अ बैलेंस केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन जो एक केमिकल रिएक्शन होगा अपने पास इन अ बैलेंस केमिकल रिएक्शन, द टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट, द रिएक्टेंट इज ऑलवेज इक्वल टू टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट, द टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट इज ऑलवेज इक्वल टू टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट। सारे पार्ट से अपन को बहुत ज्यादा मतलब क्वेश्चंस नहीं आने वाले, मतलब शीट वगैरह में क्वेश्चन नहीं मिलेंगे, लेकिन स्कूल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैं बता रहा हूँ, स्कूल के लिए डेफिनेशन, स्कूल के लिए ये सारे पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वो थोड़ा स्कूल को माइंड में रखते हुए मैंने थोड़ा सा और एक्सप्लेनेशन दिया कि स्कूल वाला पार्ट भी अपने कंप्लीट हो। टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट विल बी इक्वल टू टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट है, तो वो तो होता ही है, ऑब्वियसली बात है। अगर मैं एग्जाम्पल लेता हूँ, सपोज इसी को एग्जाम्पल ले लेता हूँ, N2 reacts with 3H2 to give you twice of NH3. ठीक है भाई, अगर दोनों तरफ सेम नंबर ऑफ एटम है तो मासेस तो सेम होगा ही होगा, एक नाइट्रोजन 14 होता है तो ये दो नाइट्रोजन 28 ग्राम हो जाएगा, एक हाइड्रोजन 2 ग्राम होता है तो ये 6 ग्राम हो जाएगा, एक अमोनिया 17 होता है तो 34 ग्राम हो जाएगा, होना ही चाहिए। This plus this will be equal to this. That is always applicable. आप किसी भी रिएक्शन को लिखो, you will get that कि the total mass of the reactant will always equal to total mass of the product. और वो होगा ही 100%, because जितने एटम लेफ्ट हैंड साइड में है उतने ही एटम अगर राइट हैंड साइड में भी है तो obviously बात है atoms cannot be created, neither they cannot be destroyed. तो अपन कहेंगे कि भाई फिर तो टोटल मास ऑफ द रिएक्टेंट विल बी इक्वल टू टोटल मास ऑफ द प्रोडक्ट बताएंगे। एक और एग्जांपल ले लेते हैं अपन, जैसे कि भाई H2 है प्लस इसको O2 से रिएक्ट करते हैं तो विल गेट दैट H2O, वाटर बनाया, तो H2 2 ग्राम होता है, ये 1/2 × ऑक्सीजन 32 ग्राम होता है, मतलब 16 ग्राम हो गया। अगर ये 16 ग्राम हो गया तो विल राइट दैट 16 + 2 ये 18 ग्राम हो जाएगा, कंजर्वेशन ऑफ मास, जितना मास टोटल रिएक्टेंट का होगा उतना ही मास टोटल प्रोडक्ट का भी होगा, दैट इज कॉल्ड कंजर्वेशन ऑफ मास। सो ठीक है, इसको बताने की जरूरत नहीं थी, वैसे भी हमको पता था, बट स्कूल में वी गेट द डेफिनेशन राइट, व्हाट इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, सो इफ वी हैव आइडिया वी आर एबल टू राइट। थर्ड वी कैन से दैट अपन लिख सकते हैं तौर में, दैट इज लॉ, विल रीड दैट इट इज लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन,
कॉन्स्टेंट प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ कॉन्स्टेंट प्रोपोर्शन। राइट, सो अ मॉलिक्यूल इज फॉर्मड, लॉ ऑफ कॉन्स्टेंट प्रोपोर्शन का मतलब होता है कि भाई अगर कोई मॉलिक्यूल अपने पास है, मैं एक पहले डेफिनेशन से पहले आपको समझा देता हूं। मान लो मैंने CO2 बनाया, तो CO2 में कार्बन विल बी 12 ग्राम एंड ऑक्सीजन विल बी 32 ग्राम। CO2 में जो होगा मास ऑफ कार्बन एंड द मास ऑफ ऑक्सीजन विल रिमेन कॉन्स्टेंट इरिस्पेक्टिव ऑफ द मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ CO2। मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपने CO2 किस तरीके से बनाया है, बाय द डायरेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ कार्बन एंड ऑक्सीजन और बाय सम अदर मेथड्स, जैसे कंबशन किया था आपने हाइड्रोकार्बन का। नाउ इरिस्पेक्टिव ऑफ द मेथड ऑफ द प्रिपरेशन ऑफ CO2, द मास ऑफ कार्बन एंड द ऑक्सीजन इन द कार्बन डाइऑक्साइड विल रिमेन कॉन्स्टेंट। दैट कॉन्स्टेंट इज कॉल्ड लॉ ऑफ कॉन्स्टेंट प्रोपोर्शन। द मास ऑफ एटम्स, मास ऑफ एटम्स इन एनी मॉलिक्यूल, इन एनी मॉलिक्यूल विल रिमेन कॉन्स्टेंट, विल remain constant, remain constant irrespective of the method of its preparation, remain constant irrespective of the method of preparation, method of preparation of molecule, मॉलिक्यूल। तो उसको किस मेथड से बनाया डजंट मैटर, बट उसका मास जो होगा द मास ऑफ एटम प्रेजेंट इन दैट विल रिमेन कॉन्स्टेंट। वो तो होगा ही होगा भाई, एटम का मास तो कंजर्व होता है, तो इसमें लॉ देने की जरूरत क्या थी, बट वी शुड नो। तो अपन कहेंगे भाई ठीक है, एग्जाम्पल भी लिख देंगे इसमें अपन कि फॉर CO2 मॉलिक्यूल, अगर CO2 मॉलिक्यूल है तो अपन कहेंगे देखो अगर मैं इसको ऐसे प्रिपेयर करता हूं डायरेक्ट कॉम्बिनेशन से, ये सॉलिड है और ये CO2, इसको बर्न करके CO2 बनाता तब भी इसमें मास जो होगा वो 12 ग्राम इज टू 32 ग्राम होगा, ये रेशियो होगा मास का रेशियो। अगर मैं इसको ऐसे बनाता हूं भाई मेरे पास कैल्शियम कार्बोनेट है, ऑल मेटल कार्बोनेट डिकम्पोज टू गिव कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2, तो अगर मुझे कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2 मिलता है गैस, तो इसमें भी वही रेशियो होगा 12:32 का, ये रेशियो। तो अपन क्या कहेंगे इरिस्पेक्टिव ऑफ द मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ CO2, इट्स द मास ऑफ कार्बन एंड द मास ऑफ ऑक्सीजन इन द मॉलिक्यूल विल रिमेन कॉन्स्टेंट, दैट इज कॉल्ड कॉन्स्टेंट प्रोपोर्शन। बिल्कुल ऐसे ही मतलब विल हैव लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, एक लॉ होगा जिससे तुम देखेंगे लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। तो ठीक है भाई देखते हैं लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन क्या होता है, क्योंकि ये डेफिनेशन अपन को स्कूल में जरूर पूछेंगे, उनको आने चाहिए और उसका अच्छे से मीनिंग पता होना चाहिए। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, अब जैसे पता लिखा ना लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, तो अपन को पता चल गया ओके रिएक्शन में मास का कंजर्वेशन करना है, ठीक है। लॉ ऑफ कॉन्स्टेंट प्रोपोर्शन, अच्छा कुछ कॉन्स्टेंट रहना चाहिए, ऐसा कोई प्रोपोर्शन बनाया अपने तो मॉलिक्यूल। अब लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, मल्टीपल का मतलब है बहुत सारे, दैट इज व्हाट वी मीन बाय द मल्टीपल। तो मल्टीपल प्रोपोर्शन में अपन क्या पढ़ेंगे, अपन कहेंगे भाई देखो अगर कोई भी एटम किसी दूसरे एटम से कंबाइन करेगा टू फॉर्म वन और मोर देन वन प्रोडक्ट, मतलब अगर कोई भी एटम किसी दूसरे एटम से कंबाइन करके
या तो एक ही प्रोडक्ट बनाए या एक से ज्यादा प्रोडक्ट बनाए. तो दीज एटम्स विल हैव दीज एटम विल ऑलवेज कंबाइन इन अ सिंपल होल नंबर रेशियो. मतलब यहां पर क्या हो रहा है, अगर यहां पर ये 12 ग्राम तो ये 16 ग्राम है, अगर ये 12 ग्राम है तो ये कितने ग्राम रिएक्ट कर रहा है, 32 ग्राम है. तो आप देखो 12 को अगर अपन 1 ले ले और 16 को अपन 1 ले ले, क्योंकि वो सिंपलेस्ट एक एक एटम थे, तो यहां पर ये क्या आ जाएगा, 12 को आपको 1 लेना है, 16 को आपको 1 लेना है, तो 32 को आप 2 ले लोगे. इधर 1:1 का रेशियो है, इधर 1:2 का रेशियो. तो इसी को कहते हैं मल्टीपल प्रोपोर्शन. चलो उसे डेफिनेशन में लिख के देखते हैं भाई. डेफिनेशन बताओ आप कैसे बताओगे. तो अपन कहेंगे लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन का डेफिनेशन होगा, व्हेन एन एलिमेंट कंबाइंस विथ द अदर एलिमेंट. भाई एक एलिमेंट जब दूसरे एलिमेंट से कंबाइन करेगा टू फॉर्म टू और मोर प्रोडक्ट्स, टू फॉर्म टू और मोर प्रोडक्ट्स, देन दे डू सो. मतलब वो ऐसा करते हैं, व्हेन दे डू सो सच दैट दे बेयर्स अ सिंपल होल नंबर रेशियो. सिंपल होल नंबर रेशियो, नंबर रेशियो, रेशियो ऑफ देयर मासेस. तो ठीक है भाई, बता देता है. यहां पर भी तो अपन ने ये लिखा था एग्जाम्पल में, पहले एक ये ले लेते हैं, एक और एग्जाम्पल ले लेंगे. तो एक एग्जाम्पल अपन ने ले लिया भाई, दैट इज कि When carbon reacts with oxygen to give carbon monoxide, carbon can also react with oxygen to give carbon dioxide. तो यहां पर ये 12 ग्राम कार्बन का एटॉमिक मास होता है, कार्बन मोनोक्साइड में मुझे एक ही चाहिए ये, तो मैं हाफ O2 लिख लेता हूं. इधर कार्बन है, O2 लिखेंगे तो CO2 बनेगा, दैट इज जस्ट बैलेंसिंग. ठीक है, तो व्हाट वी हैव टू राइट, तो इधर 1/2 32, तो 16 ग्राम हो जाएगा. तो आई विल राइट दिस एज, आप कंजर्वेशन लिखेंगे तो इन दोनों को ऐड करके इसका मास लिख दूंगा. ये 12 ग्राम रिएक्ट करेगा, लेकिन ये 32 ग्राम से रिएक्ट करेगा. तो अपन क्या बताएंगे, मैं इस पॉइंट को हटा देता हूं और फिर अपन बताते हैं भाई क्या बताना है बिल्कुल. ठीक है, तो अपन कहेंगे भाई यहां पर अगर मैं यहां पर 12 को इधर जो ऐसे के बनाए, ठीक है ना, तो यहां पर जो रेशियो आएगा दैट विल बी 12/16 का रेशियो. तो अगर इसका 12/16 का रेशियो ले लेंगे तो, और इसको अपन क्या अज्यूम कर लेते हैं कि द रेशियो इज, ये 12 को 1 ले लेते हैं क्योंकि अपने पास गिवन है ना रेशियो ऐसे, ये 12:16 का रेशियो है और ये 12:32 का रेशियो है. ये तो अपन क्या करेंगे, इफ 12 = 1 and 16 = 1, क्योंकि वो मिनिमम मासेस है. इफ 12 tends to 1 or 16 tends to 1, तो ये रेशियो क्या हो जाएगा, 1:1 का रेशियो, और ये क्या हो जाएगा, 1:2 का रेशियो. तो वो मोलर रेशियो हो जाएंगे. फिर आप उन्हें मोलर रेशियो बोल दो भाई, इसका 12 ग्राम 1 मोल, इसका 16 ग्राम हाफ मोल, तो उसको 16 को आप 1 मोल लेना चाहते हो एटम का, तो यहां पर दो एटम है तो 2 मोल्स हो जाएंगे, तो इट विल बी अ मोलर रेशियो. तो वो तो इसको लॉ बनाने की जरूरत क्या थी, वो तो मैं यहीं से बता देता, ये ऑक्सीजन का 1 मोल, कार्बन का 1 मोल, ऑक्सीजन के 2 मोल्स, कार्बन के 1 मोल, वो तो मॉलिक्यूल से ही बनाता था. जो भी मॉलिक्यूल आप बनाओगे उसमें जितने एटम है वही मोलर रेशियो बता दो, तो वही लॉस है, उसी को अपन लॉस बोलते हैं, दैट इज मल्टीपल प्रोपोर्शन. तो यहां पर जो एटम कंबाइन किए ना वो 1:1 के रेशियो में कंबाइन किए, तो यहां पर जो कंबाइन करेगा वो 1:2 के रेशियो में कंबाइन किया, दैट इज
लॉ ऑफ मल्टीप्लीकेशन। और भी लिख सकते हैं अपन, एग्जाम्पल टू ले लेते हैं, ठीक है ना। तो एग्जाम्पल टू में अपन लिख सकते हैं when nitrogen combines with oxygen, तो अपन क्या करेंगे भाई, नाइट्रोजन ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करेगा तो ये तो ऐसे बना सकता है भाई, N2O भी बनाता है, NO भी बनाता है, राइट। देन वी विल राइट दैट N2O3 भी बनाता है, एंड वी कैन राइट दैट इट इज राइट N2O4 भी बनाता है और N2O5 भी बनाता है। तो अपन कहेंगे ठीक है भाई कोई बात नहीं, हम क्या करेंगे। अब वैसे तो अगर मोलर रेशियो लिखना है तो 2:1, 1:1, 2:3, 2:4 और ये 2:5 अपने आप ही लिख सकते हो। तो यहां पर अपन क्या करेंगे, पहले इनके मासेस लिख लेते हैं, मास। तो यहां पर ये नाइट्रोजन 14 होता है तो 28:16 हो गया, ये 14:16 हो गया, ये 28:48 हो गया, ये 28:64 हो गया, ये 28:80 हो गया। अब इनको सिंपल रेशियो बनाते हैं, सबसे छोटा नंबर कौन सा है 14, तो मुझे इसको 1 ले लेना चाहिए, सबसे छोटा नंबर कौन सा है 16, तो मुझे उसको 1 ले लेना चाहिए। तो मोलर रेशियो बता देता है, मोलर रेशियो तो सबसे छोटा नंबर क्या है 14, तो इसको 1 लेंगे, और सबसे छोटा 16 है तो उसको 1 लेंगे। तो फिर बता देंगे भाई ये 2:1 का रेशियो, क्योंकि ये 14:2 हो जाएगा, ये 1:1 का रेशियो है, ये 1:2, दैट इज 3 का रेशियो है, ये 2:4 का रेशियो है, ये 2:5 का रेशियो। लो वो तो मॉलिक्यूल देख के बता दूंगा, आप किसी भी दो एटम को कंबाइन करो, बस मुझे ये पता होना चाहिए कि उसके कितने एटम्स फॉर्म होते हैं, उसके एटम्स कंबाइन करके क्या मॉलिक्यूल्स बन सकते हैं। जैसे ये दोनों पता थे, कार्बन मोनोऑक्साइड बन सकता है, कार्बन डाइऑक्साइड, रेशियो मुझे पता है, मल्टीपल प्रोपोर्शन, इसका 1:1 का रेशियो, इसका 1:2 का रेशियो, एटम्स ऑलवेज कंबाइन, राइट ना, द एलिमेंट्स, व्हेन एन एलिमेंट कंबाइन, एक एलिमेंट जब दूसरे एलिमेंट से कंबाइन करेगा टू फॉर्म मोर देन वन प्रोडक्ट और मोर देन टू प्रोडक्ट, देन इट विल ऑलवेज हैव कंबाइन विद द एटम्स टू फॉर्म अ मॉलिक्यूल्स विच हैव अ सिंपल होलर रेशियो, दैट इज द डेफिनेशन। ठीक है, तो ये मतलब एक लॉज हो गए हमारे लिए कि भाई ये लॉ हमको फॉलो करने हैं, इनको वायलेट नहीं करने हैं रिएक्शन लिखने के लिए, बट केमिकल रिएक्शन लिखने में हमको इनको कभी वायलेट करते ही नहीं, भाई हम सबको पता है कार्बन को रिएक्ट करेंगे ऑक्सीजन के साथ, CO2 और CO दोनों ही बना सकते हैं। ये क्वेश्चन में आप दे दोगे कि कार्बन ऑक्सीजन को रिएक्ट करके CO2 बना देंगे, बट दीज आर द केमिकल रिएक्शन, इनको हमें स्कूल के लिए भी पता होना चाहिए और स्कूल में अपन से डेफिनेशन जरूर पूछते हैं, और कुछ कुछ क्वेश्चंस भी मिल जाएंगे आपको, जैसे मैंने ये बताया वैसे ही क्वेश्चन मिल जाएंगे, तो अपन बता देंगे क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करने का, ठीक है, या डायरेक्ट डेफिनेशंस भी अपन से पूछ लेंगे, बोल जब से डेफिनेशंस लिखा ना मैंने तो वही डेफिनेशन लिख के ऑप्शन बना देंगे, इट इज लॉ ऑफ कॉन्स्टेंट प्रोपोर्शन, इट इज लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, लिख देते ना वो अपन को क्वेश्चन बना देंगे ऐसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, वॉट इज दिस लॉ, है ना, तो अपन बता देंगे भाई कैसे होगा। अब अपन बात करते हैं जो अभी मूल कॉन्सेप्ट में पढ़ना है उसकी बात करते हैं। तो अभी जो मूल कॉन्सेप्ट में पढ़ना है वो है कैलकुलेशन बेस्ड ऑन केमिकल रिएक्शन, हमें केमिकल रिएक्शन की बात करते हैं क्योंकि हम काफी सारा पढ़ चुके हैं, हमें काफी सारा पता चल गया, अब हमें केमिकल रिएक्शंस की बात करनी होगी। बस हमें थोड़ा सा बस ये बनाना आना चाहिए कि अगर हमें परसेंटेज ऑफ एटम्स गिवन है तो हाउ टू राइट द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और हाउ टू गेट द एम्पिरिकल फॉर्मूला। तो एक बार छोटा सा डिफरेंस और अपन चेक करेंगे, फिर कैलकुलेशंस पे आते हैं, रिएक्शन के कैलकुलेशंस पे। तो वो पार्ट होता है जो अभी अपन पढ़ेंगे, दैट इज कॉल्ड एम्पिरिकल मास, मॉलिक्यूलर मास।
तो एक बार ये डिफरेंस और चेक कर लेते हैं, फिर उसके बाद बनाते हैं। तो चलो लिखते हैं व्हाट इज मॉलिक्यूलर मास एंड व्हाट इज एम्पिरिकल मास, ठीक है ना। तो चलो देखते हैं, अभी ना एम्पिरिकल मास और मॉलिक्यूलर मास पढ़ने से पहले अपन एक बार और चेक कर लेते हैं। ऐसे सपोज मेरे पास गिवन है, एक अपन ऐसे ले लेते हैं That is H2O in a molecule like H2O. In a molecule like H2O, मुझे ये क्या बने? Empirical mass और molecular mass क्यों बने अपन वो देख लेते हैं। अगर मान लो molecule like H2O में मेरे पास ऐसे क्या बने, तो मुझे पता है hydrogen is 2 grams and oxygen is 16 grams. ये grams है। तो अगर मैं आपसे कहूंगा कि इसमें परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन कैलकुलेट कर दो कितना है, तो अपन कहेंगे भाई 2/18 मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे, दैट इज परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन। एंड परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन कितना होगा, तो अपन कहेंगे भाई परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन चलो 16/18 करता हूं मल्टीप्लाई बाय 100 करता हूं, ऐसे अपन परसेंटेज कैलकुलेट कर लेंगे। तो ये परसेंटेज अपन कैलकुलेट कर सकते हैं भाई, क्योंकि ये तो मतलब डायरेक्ट कैलकुलेशन है, तो अपन बता देंगे भाई कितना परसेंटेज आएगा, और परसेंटेज का कैलकुलेशन भी बड़ा इजी है। एक बार अपन को थोड़ा टिपिकल भी मिलेगा, अगर टिपिकल भी मिलता है तो हमें फर्क नहीं पड़ता। तो अपन कहेंगे ये अपने पास कितना आएगा 11.11%। तो अपन कहेंगे अगर ये 11.11 है तो 100 से माइनस कर देते हैं, क्योंकि मॉलिक्यूल में दोनों ही तो थे। तो अगर मॉलिक्यूल में दोनों थे तो अपन 100 को इससे माइनस कर लेते हैं भाई, माइनस करेंगे तो विल गेट 88.89%। तो ठीक है, विल गेट दैट कि भाई अगर हमारे पास मॉलिक्यूल है उसमें मासेस गिवन है, मासेस गिवन है तो मैं उनके परसेंटेज कैलकुलेट कर सकता हूं। तो मैं ये बता सकता हूं कि इसमें H2O में या किसी भी मॉलिक्यूल में और भी बहुत सारे एटम होते हैं, आप H2SO4 लिखो तो भी मैं उसमें कैलकुलेट करके बता सकता हूं, ठीक है ना। अब अगर मुझे ऐसे गिवन होता, इफ वी हैव टू कैलकुलेट द मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, अब मुझे ना मॉलिक्यूल ऑफ वाटर कैलकुलेट करना है, फॉर्मूला ऑफ मॉलिक्यूल विच हैज 11.11% of H atom and 88.89% of oxygen atom. तो इसका molecular formula चाहिए अपन को, तो अपन कहेंगे water लिख दो। तो अपन कहेंगे water कैसे लिखते हैं इसमें, तो अपन कहेंगे लिखा तो है भाई, आप percentage को हटाने के लिए जैसे आपने लिखा percentage of hydrogen, लिखोगे ना अब परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन, तो 11 पॉइंट आप कहोगे भाई 11 को 100 से डिवाइड करोगे, आप लिखोगे ना, तो आप क्या करोगे, आप कहोगे कि भाई 11 को अगर 100 से डिवाइड करूंगा तो मेरे पास रेशियो आ जाएगा, तो 2:18 का रेशियो आएगा ना। आपको कैसे पता कि 18 ही होगा, तो फिर कहेंगे हमको पता नहीं होगा, लेकिन मैं एक बात तो कर सकता हूं ना कि हाइड्रोजन लिखा ना आपने एच एटम ना, तो मैं क्या कर सकता हूं, मैं ऐसे लिखूंगा भाई इसमें ना आंसर लिखने के लिए, मैं आपको क्या बता रहा हूं, अगर मेरे पास मॉलिक्यूल से मैं परसेंटेज बता सकता हूं, तो अगर आप मुझे एटम के परसेंटेज दोगे मैं आपको मॉलिक्यूल बनाकर दिखा दूंगा रिवर्स, दैट इज एम्पिरिकल फॉर्मूला एंड मॉलिक्यूलर। चलो देखते हैं कैसे, ठीक है ना। तो मैं क्या करूंगा, अब इसको लिखकर नहीं देते हैं, तो इसमें चेक करते हैं कि आप कैसे बताओगे। तो मैं क्या करूंगा, लेट द मास ऑफ हाइड्रोजन एटम इज इक्वल टू 11.11 ग्राम एंड द मास ऑफ ऑक्सीजन एटम इज इक्वल टू 88.89 ग्राम।
ये मैं मास ले, तो मैं कहूंगा ठीक है भाई, अब मोल्स ऑफ हाइड्रोजन एटम कितना हो जाएगा, 11.1 डिवाइडेड बाय, ऐसे कर लूंगा मैं, सो 11.111 डिवाइडेड बाय 1 कर दूंगा, ओ हाइड्रोजन का एटॉमिक मास ना, इसको ग्राम लिया तो मैंने मोल्स लिख लिए, वेट इन ग्राम डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास, इसी को तो मोल्स बोलते हो, केमिस्ट्री में बगैर मोल्स के कोई कैलकुलेशन नहीं होता। फिर मैं लिखूंगा मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम, तो ठीक है भाई ऑक्सीजन एटम के मोल्स लिख लो, कितना आएगा 88.89 डिवाइडेड बाय 16 लिखोगे आप, तो यहां पर कितना आएगा मेरे पास आंसर 11.11, और यहां पर कितना आएगा जरा कैलकुलेट करके बता सकते हो कितना आएगा, 88.89 डिवाइडेड बाय कितना आया अपने पास 16, कितना हो जाएगा, तो इधर से कुछ करके बता सकते हो आप, देखो बोलो इधर से कुछ करके बता सकते हो आप, नहीं बता सकते कोई बात नहीं, तो मैं इसको ये आ रहा है मेरे पास 5.5 के आसपास, 5.55 के आसपास आ रहा है, कितना आ रहा है 5.55 के आसपास आ रहा है, ठीक है। अब अपन क्या करेंगे, ये मोलर रेशियो बन गया अपने पास, ये आ गया अपने पास भाई, अपन क्या करेंगे इसको बता देंगे अपन कि जैसे अपन लिखेंगे ये 5.55 के आसपास आ रहा है मेरे पास, तो अपन कहेंगे ठीक है भाई ऑक्सीजन और हाइड्रोजन ये मोल्स आ गए अपने पास, तो ये तो अपन यहीं से कैलकुलेट कर लेते भाई, 100 बाय 18 इसको डिवाइड करते हैं, 100 बाय 18 इज 5.55 और इधर 100 बाय 18 इज इक्वल टू 11.11, ठीक है। अब क्या करेंगे अपन, तो अपन कहेंगे ठीक है भाई आप क्या करो कि आपके पास एक मॉलिक्यूल था जिसमें ये परसेंटेज थे, तो अब अपन इसमें से जो सिंपल होल नंबर रेशियो होगा ना उससे डिवाइड करते हैं, अपन कहेंगे ठीक है ये सिंपल होल, तो इसको वन ले लेते हैं और ये अपन को साफ साफ समझ में आ रहा है कि वेर एच एटम इज, है ना, अपन कहेंगे ये, तो अपन ऐसे लिख लेते हैं होल नंबर रेशियो, होल नंबर रेशियो, नंबर रेशियो ले लेते हैं अपन भाई, होल नंबर रेशियो क्या लेंगे अपन, तो अपन कहेंगे भाई देखो 11.11 डिवाइडेड बाय 11.11, पहले हाइड्रोजन तो लिखे अपन की भाई ये हाइड्रोजन एटम के लिए, फॉर हाइड्रोजन एटम, तो अपन लेंगे इसको वन लेना चाहते हैं अपन, तो 11.11 डिवाइडेड बाय 11.11 दैट विल बी इक्वल टू हाउ मच 1, और अपन लिखेंगे होल नंबर रेशियो फॉर रेशियो फॉर ऑक्सीजन एटम, तो अपन कहेंगे ऑक्सीजन एटम के लिए तो ये आ जाएगा अपने पास कितना, ऑक्सीजन तो था 5.55 डिवाइडेड बाय 11.11, हां तो ठीक है इट कम्स आउट टू बी ऑलमोस्ट 11 और ये 55 जैसे आ रहा ना, तो ये कितना आ रहा है अपने पास, तो इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा अपने पास 11.11 और वो आ रहा है तो कितना आ रहा है अपने पास बताओ भाई, डिवाइड करके सब लोग लिख सकते हैं, अरे नीचे चैट पे लिख के बताओ मुझे, मैं वेट करता हूं क्योंकि तुम लोग कैलकुलेशन में ही तो मिस्टेक करोगे, बाकी कोई मिस्टेक करने वाले थोड़ी हो तुम लोग, बाकी कोई मिस्टेक नहीं करने वाले तुम लोग, यही मिस्टेक करोगे, इसलिए मैं वेट करता हूं कि आप कैलकुलेशन खुद करो, अगर कैलकुलेशन खुद करोगे तो फिर मुझे ज्यादा परेशान नहीं करने वाले आप, बताओ कितना आया, तो मैं कहूंगा ऑलमोस्ट 0.5 आ रहा है, कितना आ रहा है ये 0.49 के ऐसे आएगा, तो मैं लिख लेता हूं ऑलमोस्ट 0.5 आ रहा है, 0.495 आ रहा है, तो अपन उसको क्या लिख ले ऑलमोस्ट 0.5 लिख ले, क्या आ गया अपने पास, इन दोनों का रेशियो बताओ, तो हाइड्रोजन का है ऑक्सीजन के कंपैरिजन में डबल है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन की कंपैरिजन में मोलर रेशियो में क्या आ रहा है डबल आ रहा है, अभी देखा ना करते मल्टीपल प्रोपोर्शन मोलर रेशियोस, मतलब हाइड्रोजन तो हमारे मॉलिक्यूल में क्या आएगा, देयरफॉर इन अ मॉलिक्यूल द मोलर रेशियो
मोलर रेशियो ऑफ एच 1 होना चाहिए, ऑक्सीजन 0.5 होना चाहिए। तो अपन मोलर रेशियो कभी ना फ्रैक्शन में नहीं लिखेंगे, अपन किसी एक सूटेबल नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे टू गेट दैट कि ये क्या हो जाए, दोनों को 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्योंकि कभी भी हम किसी भी एटम का, भाई अपन कभी ऐसे थोड़ी लिखते हैं कि अच्छा H2 लिखना है, एक H है, O हो गया 0.5 और हाइड्रोजन हो गया 1.5, थोड़ी लिखा जाता है। एटम को कभी अपन फ्रैक्शन में लिखते हैं, एटम को फ्रैक्शन में नहीं लिखेंगे तो अपन क्या करेंगे, एक सूटेबल नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे ताकि वो दोनों के दोनों इंटीजर में कन्वर्ट हो जाए। तो हो जाएगा भाई, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर दो, देयरफॉर व्हाट आई गॉट, हाइड्रोजन 2 आ रहा है ऑक्सीजन के कम, लो भाई बन गया। मैंने आपसे क्या कहा, ये मॉलिक्यूल तो अपन को बहुत सारे पता है। अगर मैं किसी मॉलिक्यूल में एटम्स के परसेंटेज कैलकुलेट कर सकता हूं, ये मॉलिक्यूल वेट था है ना, H2O का वेट कितना था 18 ग्राम, तो अपन ने क्या किया भाई, 18 ग्राम में हाइड्रोजन कितना परसेंट, ये 18 ग्राम में ये कितना परसेंट, ये तो अपन परसेंटेज पता चल सकता है। अगर मुझे आप किसी मॉलिक्यूल में एटम का परसेंटेज बता सकते हो तो ठीक है, इसको हटा दो, मुझे आप अननोन मॉलिक्यूल बता दो, मेरे पास ये मॉलिक्यूल है मुझे नहीं पता कौन सा है, आप इसका मॉलिक्यूल बना के दिखाओ क्या होगा, जिसमें 11.11% हाइड्रोजन है और 88.89% ऑक्सीजन है, ठीक है भाई। केमिस्ट्री में कोई भी कैलकुलेशन विदाउट मोल्स नहीं होता, और ये जो होता है इसको मोलर रेशियो बोलते हो आप, हाँ तो मोलर रेशियो बोलते हो तो मतलब मोल्स कैलकुलेट करना आता है मुझे, मैं इसी को मासस ले देता हूं 100 ग्राम सैंपल अचीव करके, तो ठीक है अगर वेट इन ग्राम के बने तो मोल्स कैलकुलेट कर लेता हूं, मैंने कैलकुलेट कर लिया मोल्स, तो जो मोल्स आए उसमें सिंपल रेशियो बनाया मैंने, सिंपल रेशियो बना लिया मैंने, कैसे सिंपल रेशियो बनाया, दोनों में से जिसके मोल्स, दोनों में से अपन कहेंगे या जिसके मोल्स कम होंगे उससे डिवाइड कर लो, इसको मान ले लो तो ये 2 आ रहा है, इसको मान ले लो तो ये 2 आ रहा है, जिसके मोल्स कम होंगे अपन उससे डिवाइड कर देंगे। लेकिन अगर कोई फ्रैक्शन में आता है तो अपन एक सूटेबल नंबर से मल्टीप्लाई करके उसे कन्वर्ट कर देंगे सिंपल और नंबर। तो मतलब मैं परसेंटेज से ये कैलकुलेट कर सकता हूं। अब मैं आपको सिर्फ मैंने आपको बताया है, अब मैं आपको इसी पार्ट को कुछ क्वेश्चंस में जैसे स्कूल में अपन से पूछेंगे ऐसे भी पूछ सकते हैं अपन से, तो ये तो कंसेप्ट ही है एक तरीके से, आपको दिखा तो रहे कैसे कोरिलेट होते हैं आपस में, आप मॉलिक्यूल दे दो मैं परसेंटेज ऑफ एटम बता दूंगा, आप परसेंटेज ऑफ एटम दे दो मैं मॉलिक्यूल बना दूंगा, ठीक है। चल फिर अपन इसी को ना, बस यही पार्ट को अपन क्या करते हैं, इसी पार्ट को बोलते हैं अपन एम्पिरिकल फॉर्मूला एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। चलो देखते हैं तो फिर एम्पिरिकल फॉर्मूला, तो फिर ये एम्पिरिकल वर्ड क्यों यूज कर रहे हो आप, मॉलिक्यूलर वर्ड ही यूज करो ना, तो अपन को उसका भी यूज करना होगा। तो चलो देखते हैं व्हाट इज मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एंड एम्पिरिकल फॉर्मूला, सो विल राइट दैट मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो इसको अपन MF से डिफाइन करेंगे है, एंड एम्पिरिकल फॉर्मूला, ठीक है मैं एम्पिरिकल फॉर्मूला भी लिखूंगा। तो अब मैं ये पार्ट हटा लेता हूँ भाई, इधर वाले पार्ट को ये हटा लेता हूँ, एम्पिरिकल फॉर्मूला तो मैं कहूंगा दैट इज EF मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एंड एम्पिरिकल फॉर्मूला, ठीक है ना। तो ये सारा पार्ट मैं हटा देता हूँ और देखते हैं फिर कि क्या होता है, पहले मैं आपको बताता हूँ दोनों में डिफरेंस क्या है। तो पहले ना मैं क्या करता हूँ दोनों को डिफाइन करके बताता हूँ आपको अलग अलग कि भाई दोनों है क्या, अपन क्या लिखेंगे क्या समझेंगे इन वर्ड से वो देखते हैं। तो अपन कहेंगे देखो भाई मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो अपन अब तक पढ़ते आए भाई, कितने सारे मॉलिक्यूल्स पढ़े अपन ने, तो जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है ना, तो अपन कहेंगे भाई मॉलिक्यूलर फॉर्मूला रिप्रेजेंट्स द टोटल नंबर ऑफ एटम्स, the total number of atoms present in any molecule, atoms
present in any molecule. That is monochromatin. Main example le leta hu, C6H12O6 is molecular formula of glucose. ये अपन एग्जांपल बाद में ले सकते हैं क्योंकि फिर मुझे यहां पर लिखना पड़ेगा, है ना, बाद में लिख लेंगे। पहले आप मुझे बता दो वो है क्या। तो जैसे आपने ये लिखा वैसे आप बता दो एम्पिरिकल फॉर्मूला। तो एम्पिरिकल फॉर्मूला रिप्रेजेंट्स द सिंपल होल नंबर रेशियो, नंबर रेशियो of atoms present in the molecule, of atoms present in the molecule, in the molecule. तो चलो अपन examples की बात करते हैं, है ना। अब अपन example की बात कर लेते हैं भाई। तो जैसे अपन ने ग्लूकोज लिखा था उसी को एग्जाम्पल ले लेते हैं पहले, फिर दूसरा एग्जाम्पल ले लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है अपन को। अब ग्लूकोज के लिए, फॉर ग्लूकोज मॉलिक्यूल, ग्लूकोज मॉलिक्यूल, ऑलराइट, दैट मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है क्या, दैट इज C6H12O6, ये ग्लूकोज का मॉलिक्यूल होता है। तो इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ये होगा, तो एम्पिरिकल फॉर्मूला ये होगा। एम्पिरिकल फॉर्मूला जो होगा ना इसका, दैट एम्पिरिकल फॉर्मूला विल बी दैट इज CH2O, व्हाट इज सो, क्योंकि ये 1:2:1 का रेशियो है। तो आपने कहा ना कि इट इज सिंपल होल नंबर रेशियो, सिंपल होल नंबर रेशियो ऑफ एटम प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल, दैट इज एम्पिरिकल फॉर्मूला। तो इसमें जो सिंपल होल नंबर रेशियो आपने बनाया है वो किससे बनाया है, तो अपन कहेंगे भाई 6 से बनाया मैंने, मैंने इसको भी 6 से डिवाइड किया, इसको भी 6 से डिवाइड किया, इसको भी 6 से डिवाइड किया, आई गॉट दिस। इसमें जो होल नंबर होगा ना वो अपने लिए n हो जाएगा। जैसे अपन लिखेंगे भाई, इन दोनों में रिलेशन भी बना सकता हूं, तो कैसे, मैं कहूंगा भाई मॉलिक्यूलर, देयरफॉर आई कैन राइट दैट, अपन लिख सकते हैं ना ऐसे कि भाई मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो है दैट विल बी इक्वल टू एम्पिरिकल फॉर्मूला मल्टीप्लाई बाय n कर लेते हैं। ये n क्या है, द सिंपल होल नंबर रेशियो, वेयर n इज सिंपल होल नंबर रेशियो, नंबर रेशियो, ये बता सकते हैं, ठीक है, दैट इज अ सिंपल होल नंबर रेशियो। जैसे इधर n का वैल्यू क्या होगा, 6 होगा। तो फिर अपन ऐसे भी कर सकते हैं, ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर मास इज 180, तो इसका एम्पिरिकल मास कितना होगा, तो अपन कहेंगे एक कार्बन है, दो हाइड्रोजन है, कार्बन इज 12, दो हाइड्रोजन कितना हो गया अपने पास, दो हाइड्रोजन होगा तो 16, और ऑक्सीजन 14 ना, 12 + 2 = 14, और ये 16, तो टोटल 30 हो गया। मतलब अगर मुझे मॉलिक्यूलर मास गिवन है और मैं इसमें सिंपल होल नंबर रेशियो अपने आप बता सकता हूं कि n का वैल्यू इसमें 6 आएगा, क्योंकि ये सारे के सारे जो कोफिशिएंट आपने नंबर्स लिखे हुए हैं वो 6 से डिविजिबल है टू गेट द सिंपल होल नंबर रेशियो। तो फिर मैं ऐसे भी लिख सकता हूं भाई, मॉलिक्यूलर मास इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट इज इक्वल टू एम्पेरिकल वेट मल्टीप्लाई बाय n, ऐसे भी लिख सकता हूं, फिर तो लिख सकते हैं ना अपन। तो इसमें जो n का वैल्यू है, हियर वैल्यू ऑफ n इज 6, इधर n का वैल्यू अपने पास 6 आया, ठीक है भाई। तो अगर मान लो मेरे पास ऐसे की बात है, फॉर बेंजीन मॉलिक्यूल, अगर हम बेंजीन मॉलिक्यूल देखेंगे तो बेंजीन मॉलिक्यूल में तो अपन को पता है भाई, बेंजीन मॉलिक्यूल में आप क्या लिखोगे, तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ बेंजीन इज, बेंजीन तो अपन ऐसे लिखते हैं भाई C6H6, ये बेंजीन मॉलिक्यूल,
अपन कहेंगे ठीक है इसका एम्पेरिकल फॉर्मूला सी एच हो जाएगा, एन का वैल्यू 6 हो जाएगा, मॉलिक्यूलर वेट और एम्पेरिकल वेट अपन को पता है, मॉलिक्यूलर वेट इज 78, तो 78 डिवाइडेड बाय 6 विल बी द एम्पेरिकल वेट, ठीक है, वेरिएबल टोटल। अब मैं एक दूसरा एग्जांपल लेता हूं फॉर एसिटिलीन मॉलिक्यूल, एसिटिलीन मॉलिक्यूल, ठीक है ना, तो एसिटिलीन मॉलिक्यूल जो होता है उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो होता है ना, एसिटिलीन इज इथाइन हाइड्रोकार्बन, तो ये तो C2H2 होता है एसिटिलीन मॉलिक्यूल, तो अपन कहेंगे ठीक है इसका एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या आ जाएगा, तो अपन कहेंगे CH होगा, और इधर एन का वैल्यू कितना होगा, तो अपन कहेंगे 2 हो जाएगा, ओके। अब अपन कहेंगे ठीक है मेरे पास ये क्या है, अगर मेरे पास कोई ऐसे केबन है फोर्थ, मेरे पास फॉर अपन ने लिखा कि हमारे पास एक मॉलिक्यूल है, जैसे अपन ने लिखा कि भाई H2 मॉलिक्यूल है, अब H2 मॉलिक्यूल के लिए मॉलिक्यूलर फॉर्मूला H2O, एम्पेरिकल फॉर्मूला तो अपन कहेंगे अब भाई इसका एम्पेरिकल फॉर्मूला कुछ भी नहीं होगा, ये तो खुद ही सिंपल रेशियो है, तो अपन कहेंगे भाई H2O, तो इसका मतलब है therefore n will be equal to 1, और I can write that इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और एम्पेरिकल फॉर्मूला एक ही होगा, बिल्कुल, क्यों, क्योंकि उसमें कोई सिंपल होल नंबर रेशियो बन ही नहीं सकता, तो पहले से ही सिंपल होल नंबर रेशियो, तो अपन कहेंगे अगर कोई मॉलिक्यूल में ये वैल्यूज अगर पहले से जो अपन कैलकुलेट कर रहे हैं वो एम्पेरिकल फॉर्मूला हो रहा है, तो अगर वो एम्पेरिकल फॉर्मूला में वो ऑलरेडी सिंपल होल नंबर रेशियो है, तो अपन कहेंगे इट विल बी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। एक्चुअली होता क्या है ना, जो हम सिंपल होल नंबर रेशियो में एटम्स कैलकुलेट करते हैं, जैसे मैंने अभी H2O को कैलकुलेट किया था, वो एम्पेरिकल फॉर्मूला होता है, सो ये पार्ट अपन इसलिए इतना सारा डिस्कस कर रहे हैं कि द सिंपल होल नंबर रेशियो नंबर रेशियो कैलकुलेटेड बाय गिवन परसेंटेज ऑफ एटम्स, गिवन परसेंटेज ऑफ एटम्स ऑलवेज गिव्स अस द एम्पेरिकल फॉर्मूला, उससे अपन को हमेशा क्या मिलेगा, एम्पेरिकल फॉर्मूला मिलेगा। अब अगर एम्पेरिकल फॉर्मूला खुद ही सिंपल होल नंबर रेशियो है तो उसी को मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बोल देंगे, नहीं तो जो परसेंटेज से हमको फॉर्मूला मिलता है वो हमेशा कौन सा फॉर्मूला होता है, एम्पेरिकल फॉर्मूला। तो फिर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैसे बताएंगे, तो अपन कहेंगे भाई अगर मेरे पास एम्पेरिकल फॉर्मूला होगा तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के लिए मुझे एन के वैल्यू की जरूरत पड़ेगी, तो एन का वैल्यू कहां से लेके आएंगे, तो अपन को वो क्वेश्चन में गिवन होगा, अगर क्वेश्चन में गिवन नहीं है तो फिर 100% अपन को मॉलिक्यूलर मास गिवन होगा, अगर मॉलिक्यूलर मास गिवन नहीं है तो 100% मुझे ये गिवन होगा कि जो मॉलिक्यूल आपने लिया हुआ है वो गैसियस स्टेट में उसका वेपर डेंसिटी कितना होता है, तो गैसियस स्टेट में वेपर डेंसिटी अगर गिवन होगा तो मॉलिक्यूलर मास तो मुझे कैलकुलेट करना आता है, तो वेपर डेंसिटी इनटू 2 इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर मास, पहले बताया मैंने प्रीवियस क्लास में, वेपर डेंसिटी मतलब हमें कोई ना कोई पक्का ऐसा कुछ गिवन होगा कि अगर परसेंटेज से मुझे एम्पेरिकल फॉर्मूला आ गया तो जब आपके पास एम्पेरिकल फॉर्मूला आएगा तो इसका मतलब एम्पेरिकल मास कैलकुलेट कर सकते हो आप उस मॉलिक्यूल का, तो उस मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर वेट हमें किसी ना किसी फॉर्म में उस क्वेश्चन में जरूर गिवन होगा 100%, आइदर इट विल बी इन टर्म्स ऑफ वेपर डेंसिटी और इट विल बी इन टर्म्स ऑफ पीवी इज इक्वल टू W/mRT, मतलब अपन ने ऐसे लिखे ना कि भाई या तो अपन को वेपर डेंसिटी इनटू 2 इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट होगा, या फिर अपन को गिवन होगा क्या पीवी इज इक्वल टू एनआरटी लिखते हैं ना अपन, तो पीवी इज इक्वल टू एनआरटी में क्या लिखते हैं अपन,
फॉर मॉलिक्यूलर मास है, तो पीवी इज इक्वल टू होता है डब्ल्यू बाई एमआरटी, होता है ना डब्ल्यू बाई एमआरटी, डब्ल्यू बाई एमआरटी बताया ना मैंने इसको। तो आप ये प्रेशर, वॉल्यूम, वेट ऑफ द गैस एंड टेम्परेचर आर कॉन्स्टेंट है, तो मैं मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट कर लूंगा, और मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट कर लूंगा, ये एम जो है वो मॉलिक्यूलर मास है, और अगर मॉलिक्यूलर मास आ जाएगा तो एम्पेरिकल मास तो मैंने परसेंटेज से कैलकुलेट किया कर ही लिया, क्योंकि इसमें तो नंबर ऑफ एटम पता चल ही जाएंगे, और नंबर ऑफ एटम अगर मुझे पता चल गया एम्पेरिकल के तो मैं मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट कर लूंगा, और अगर मुझे मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट कर लिया तो मैं इससे एम्पेरिकल वेट कैलकुलेट कर लूंगा। मॉलिक्यूलर वेट आपने इनमें से किसी एक मेथड से दे दिया तो मुझे एन का वैल्यू पता चल जाएगा, और एन का वैल्यू पता चल गया, मॉलिक्यूलर मास मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैलकुलेट कर दूंगा। That is molecular formula and empirical. Now you got the difference. आपको अच्छे से ये पता चल गया कि what is the difference between the molecular formula and the empirical formula. What is the difference between the molecular mass and the empirical mass? ये आपको पता चल गया। अगर किसी को doubt है तो वो पूछ सकता है। Otherwise अब अपन कोई question लेते हैं, जिस क्वेश्चन में अपन ये अज्यूम करते हैं कि राइट हाउ टू डिस्कस दैट वी कैन से दैट, चलो अपन कुछ इसमें परसेंटेज गिवन है मुझे और उसमें अपन कैलकुलेट करते हैं द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एंड एम्पिरिकल फॉर्मूला। तो चलो अपन एक क्वेश्चन लिखते हैं और उसमें देखते हैं अपन की कैसे बनाएंगे अपन। अब मैं ना एक रेंडमली एक क्वेश्चन ले लेता हूं, केमिस्ट्री में कभी भी कोई भी राइट ना कैलकुलेशन बगैर मोल्स के नहीं होता। तो चलो अपन एक बार चेक करते हैं उनको कैसे बताना है, ठीक है। तो अगर मेरे पास ऐसे की बता, मैं एक पहले एक थोड़ा सा सिंपल क्वेश्चन लेते हैं अपन, कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। अब वो एम्पेरिकल भी हो सकता है अगर वो सिंपल रहे नो नंबर रेशियो है तो। अब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखा है तो बता ही देंगे ना, कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ अ मॉलिक्यूल इन विच एटम ए इज 50%, इसका एटॉमिक वेट मुझे कितना है 20, and atom B is 50% and atomic weight of this is also 50, that is 25. ये अपन ने क्या किया, तो अपन ने कहा था भाई देखो दोनों का मतलब 50% A है 50% B है, अपन सैंपल को क्या अज्यूम कर लें 100 ग्राम। So, अपन आंसर में जैसे मैंने पहले बताया था आपको, आंसर में आप क्या लिख लो 100 ग्राम सैंपल लिख लो। लेट द टोटल मास मास इज इक्वल टू 100 ग्राम, देयरफॉर मास ऑफ ए इज इक्वल टू 50 ग्राम, मास ऑफ बी इज इक्वल टू 50 ग्राम। तो मोल्स कैलकुलेट कर लेता हूं, मोल्स ऑफ ए इज इक्वल टू वेट इन ग्राम डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास, सो 50 डिवाइडेड बाय एटॉमिक वेट 20 दे रखा है आपने, और मोल्स ऑफ बी क्या दे रखा है आपने 50 डिवाइडेड बाय 25 दे रखा है, तो इसको तो आपने 2.5 दे रखा है, इसको आपने 2 दे रखा है, टोटल क्या भाई देयरफॉर राइट ना, अपन होल नंबर रेशियो में कन्वर्ट कर लेते हैं, टू कन्वर्ट इन टू सिंपल होल नंबर रेशियो, होल नंबर रेशियो अपन क्या करें दोनों को एक सुटेबल नंबर से मल्टीप्लाई करें सो दैट की इंटीजर आ जाए, तो अपन क्या करेंगे ए विल बी 2.5 इंटू 2 दैट इज इक्वल टू 5 हो गया, और बी विल बी व्हाट दैट विल बी 2 इंटू इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो 4 हो जाएगा, तो ए 5 बी 4 इज द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। अब एक ऑड नंबर है दूसरा इवन नंबर है, इसका सिंपल रेशियो बन ही नहीं सकता, तो अपन क्या कहेंगे यही इसका एम्पिरिकल फॉर्मूला है, यही इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला,
इसका एम्पेरिकल फॉर्मूला भी है ये, इसका मॉलिकुलर एवरीबडी गॉट इट। ठीक है भाई, वी कैन राइट लाइक दिस। तो अब एक दूसरा क्वेश्चन लगता है, ठीक ना, इस टाइप के मतलब अपन को ना मोलर रेशियो ऐसे बनाना होता है। अब हमें क्या करना है, जो मास गिवन है उसको ही वेट अज्यूम कर लेना है, हमको मोल्स कैलकुलेट करने हैं, मोल्स को सिंपल होल नंबर रेशियो में कन्वर्ट करके फॉर्मूला बनाना है। अब मैं एक क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाऊंगा स्कूल के हिसाब से। देखो मतलब स्कूल हम उसे अवॉइड नहीं कर सकते, अलग नहीं है कंसेप्ट, बस लिखने का तरीका अलग है, अदरवाइज एम्पेरिकल फॉर्मूला ये हो गया था अपने का। मैं एक आध एग्जाम्पल और लेता और छोड़ देता। अब मैं आपको स्कूल के हिसाब से बताता हूँ स्कूल में कैसे गिवन होगा और लिखना आपको कैसे, ठीक है। तो एक क्वेश्चन स्कूल के हिसाब से करते हैं तो खत्म हो जाएगा कोई टॉपिक। एम्पेरिकल मास की गॉट एन आइडिया हाउ टू कैलकुलेट द एम्पेरिकल फॉर्मूला एंड द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। अब मुझे गिवन है एज ए सपोज एन ऑर्गेनिक कंपाउंड, अब ऐसे ना स्कूल में पूरा कहानी बना के क्वेश्चन बनाएंगे। एन ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेन्स, ठीक है ना, अभी तो अपन सीधे डायरेक्टली लिख रहे थे ये इतना परसेंट, ये इतना परसेंट, ये फटाफट बता दो। एन ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेन दैट इज, विल राइट दैट 54% of carbon atom, of carbon, ठीक है, और that is 40% of oxygen atom and rest is hydrogen atom. Calculate the empirical formula. Formula of the molecule of the compound. अब ऐसे भी हो सकता है कि वो कहेंगे भाई देखो ये जो कंपाउंड है ना ये एनेस्थेटिक जैसे यूज होता है, तो अपन को वो कहानी और शुरू कर देंगे। ऑर्गेनिक कंपाउंड इज यूज्ड एज एनेस्थेटिक इन ह्यूमन बींग्स लाइक दैट ना, वो पूरा बना के फिर इतना, हमें तो मतलब था किससे भाई, आपने पूछा मुझसे क्या एम्पिरिकल फॉर्मूला, आप मुझे परसेंटेज दे दो बाकी कहानी छोड़ दो, ठीक। अपन क्या करेंगे, अपन लिखेंगे ऐसे, तो आंसर लिखते हैं अपने, फॉर अ गिवन कंपाउंड of carbon, hydrogen and oxygen. तो इसके लिए अपन क्या करेंगे, अपन ऐसे करेंगे एक टेबल बनाएंगे। तो ऐसा बना एक टेबल, ठीक है, तो पहले टेबल लिख, ठीक है, ठीक है, तो मैं ऐसे टेबल बनाऊंगा। परसेंटेज लिखा ही हुआ है इसलिए लिखने की जरूरत नहीं, ये 40 है तो ये 94 हो गया, ये 6%। ठीक है, अभी अब तक तो जो आपने लिखा वो कुछ समझ में नहीं आया मुझे, कार्बन एटम में ये क्यों लिखे, वो तो लिखे ही थे, आपको स्कूल में लिखना पड़ेगा ऐसे, ये तो आपको मार्क्स नहीं मिल रहा, मेरे मेथड से कैलकुलेट करोगे वो आंसर तो है मेथड में, अब स्कूल में मार्क्स नहीं, स्कूल के लिए मैं आपको बता रहा हूँ ऐसे। वरना क्या था, उनको गिवन था ये 54 ग्राम, ये 40 ग्राम, ये बाकी बचा हुआ 6 ग्राम, भाई मोल्स के लिए एटॉमिक मासेस से डिवाइड करो, मोल्स आ गया, मोलर रेशियो आया, सिंपल रेशियो में कन्वर्ट कर दो, खत्म हो गई बात।
मोल्स ऑफ आयरन। यहाँ भी तो आप मोल्स कैलकुलेट कर रहे हो, 54 डिवाइड बाय 12, 6 डिवाइड बाय 1, 40 डिवाइडेड बाय कितना आया अपने पास 16, ये कितना आया अपने पास, तो अपन कहेंगे 12, 4.5 ना, ये कितना आया 6, ये कितना आया अपने पास, दैट इज 2.5, ठीक। आप क्या करें, तो सिंपल रेशियो में कन्वर्ट एटॉमिक रेशियो, तो सिंपल एटॉमिक रेशियो के लिए मैं क्या करूंगा, इसमें से जो सबसे छोटा वैल्यू होगा उससे डिवाइड कर दूंगा, ठीक है। तो अब अपन क्या करते हैं, इसको लिखते हैं 4.5 डिवाइडेड बाय सबसे छोटा वैल्यू ये था 2.5, इसको डिवाइड करूंगा तो 6 डिवाइडेड बाय 2.5, और इसको डिवाइड करूंगा तो 2.5 डिवाइडेड बाय 2.5, तो 1 आ गया। ये दोनों कैलकुलेट कर लो आप कितने कितने आए, फिर मुझे बता देना कि कितना कितना आया। सिंपल रेशियो, एटॉमिक रेशियो मतलब इनके मोल्स थे, जो सबसे छोटा वैल्यू आया उससे मैंने सिंपल रेशियो कैलकुलेट करने के लिए डिवाइड कर लिया। कितना आया, तो कैलकुलेट किया 45 ना, 45 सो 1.8। लो भैया, तो अब अपन क्या करेंगे, इसको सिंपल एटॉमिक रेशियो था, अब इसको लिखते हैं अपन सिंपल होल नंबर रेशियो। अब अपन क्या करेंगे, इन सबको एक सूटेबल नंबर से मल्टीप्लाई करना होगा ताकि वो नियर बाय इंटीजर आ जाए। क्या आ जाए, नियर बाय इंटीजर आ जाए, मुझे कोई इंटीजर पता चल जाए। टू पॉइंट कुछ आएगा, 2.3, ये 2.4 ही आ रहा है, मतलब 60 आ जाएगा तो 2.4 सही है, ये 2.4। अब मुझे ना मल्टीप्लाई करना है एक ऐसे नंबर से ताकि वो एग्जैक्टली क्या आ जाए, एक सिंपल होल नंबर रेशियो आ जाए सबके सब, मतलब इंटीजर में आ जाए। तो सिंपल होल नंबर रेशियो मतलब सिंपल इंटीजर आ जाए हमारे पास। क्या लिखें, तो अपन कहेंगे देखो भाई, अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करता हूं, 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये 3.6 आएगा, ये 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो इट विल बिकम 4.8 एंड दिस विल बिकम 2। लेकिन ये वैल्यू, क्योंकि अगर 4.8 आ रहा है तो मैं नियरली 5 अज्यूम कर सकता हूं, 5 से मल्टीप्लाई करूं, कंडीशन 5 से मल्टीप्लाई करो तो ऑलमोस्ट इंटीजर टाइप आ जाएंगे, तो इसको 5 से मल्टीप्लाई करो, तो 5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 18 इंटू 5 कितना आ रहा, 90 ना, तो ये 9 आ रहा है। 24 इंटू 5 कितना आ रहा है, 5 आ जाएगा, 2.4 इंटू 5 कितना आएगा, 12, ये आ गए। इसका मतलब है अपने पास, अब इसमें ऑड भी आ रहा है, इवन भी आ रहा है और ऑड भी आ रहा है, इनका कोई रेशियो नहीं बन सकता, इसलिए इसका जो मॉलिकुलर फॉर्मूला होगा वही एम्पिरिकल फॉर्मूला होगा। लो भाई आपका आंसर आ गया, कार्बन कितने हैं 9, उसके बाद क्या लिखा था आपने, हाइड्रोजन 12, उसके बाद क्या लिखा था अपने, ऑक्सीजन 5। ये लो, ये है वो मॉलिक्यूल जिसकी अपन बात कर रहे हैं, और जिसमें ये कार्बन जो है वो कितना 54% है, हाइड्रोजन 6% है और ऑक्सीजन 40% है, दैट इज द मॉलिक्यूल। एम्पिरिकल फॉर्मूला भी बोल सकते हैं अपन उसे, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी बोल सकते हैं, रीजन क्योंकि इससे ज्यादा सिंपल रेशियो बन ही नहीं सकता। तो यहां पर जो अपने पास आया है ये एम्पिरिकल फॉर्मूला आया। हाँ, अपन एक बात कर सकते हैं, तो भाई इसको 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, कैसे, C19H24O10 हो सकता है,
लेकिन उसके लिए आपको ये बताना पड़ेगा, क्योंकि मैं तो इसको सिंपलेस्ट रेशियो बता रहा हूं, सिंपल होल नंबर रेशियो। अब आप अगर चाहो तो मुझे मॉलिक्यूलर मास दे सकते हो, मॉलिक्यूलर मास का वैल्यू इसके मास से डबल होगा, तो मैं बोल सकता हूं कि आप मॉलिक्यूलर मास दोगे। तो किसी का माइक ऑन है वो ऑफ करके रखें, ठीक है ना। तो अपन क्या करेंगे कि अगर आप मुझे मॉलिक्यूलर मास दे दो, अगर वो मॉलिक्यूलर मास इसके बराबर है तो एम्पिरिकल मास और मॉलिक्यूलर मास दे आर सेम, इफ दे आर डिफरेंट तो अपन कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि इससे एम्पिरिकल मास तो आ ही जाएगा मेरे पास। तो मॉलिक्यूलर मास अगर आप मुझे कुछ ऐसे दे दो कि इस ऑर्गेनिक कंपाउंड का वेपर डेंसिटी कितना होता है, तो मैं उसको 2 से मल्टीप्लाई करके उसका मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट कर लूंगा। अगर मॉलिक्यूलर मास इसके बराबर है तो कहूंगा भाई एम्पिरिकल मास और मॉलिक्यूलर मास सेम है, और अगर मॉलिक्यूलर मास इसके बराबर नहीं इससे ज्यादा होगा, क्योंकि मॉलिक्यूलर मास विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन एम्पिरिकल मास, एम्पिरिकल मास तो कम होगा बिकॉज इट इज ऑफ अ सिंपल होल नंबर रेशियो ऑफ एटम्स। ये आपका ठीक है ना, ये अपन बता सकते हैं, दैट इज द, सबको समझ में आया? कोई अगर है तो वो बता सकता है कि इसको समझ में नहीं आया। ये आपका एम्पिरिकल फॉर्मूला और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो फिर अपन आगे अब स्टोइकोमेट्रिक की बात करते हैं, तो मैं इसको हटा रहा हूं और अपन डिस्कस करने वाले हैं स्टोइकोमेट्रिक। वैसे ये वो पार्ट है, मतलब एम्पिरिकल मास अभी तक अपन ने जो भी पढ़ा ना वो सारा पार्ट आप 9th और 10th में भी पढ़ता है, इवन एम्पिरिकल मासेस वगैरह भी ना, और मॉलिक्यूलर मासेस ये भी आप 9th और 10th में पढ़ते हैं। बट केमिस्ट्री में भी नो दैट कोई भी कैलकुलेशन विदाउट नंबर ऑफ मोल्स नहीं होगा। हमने एम्पिरिकल मास और मॉलिक्यूलर मास जो भी डिस्कस किया उसमें भी हमने मॉलिक्यूलर रेशियो ही कैलकुलेट किया। आगे चेक करते हैं अपन हमें क्या पढ़ना है, ठीक है। तो अब अपन बात कर रहे हैं स्टोइकोमेट्री। तो स्टोइकोमेट्री वर्ड का मीनिंग क्या होता है, तो मैंने आपको बताया स्टोइकोमेट्री वर्ड जो आया वो स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट से है, जैसे N2 है प्लस 3H2 है तो आइसोबेनिस थ्री है, तो 1, 3 and 2 आर स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट। दिस आर कॉल्ड स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट। तो एनी कैलकुलेशन इन विच दीज आर इन्वॉल्व इज कॉल्ड स्टोइकोमेट्रिक। सो स्टोइकोमेट्री का अपन डेफिनेशन भी यही लिखते हैं, कैलकुलेशंस बेस्ड ऑन केमिकल रिएक्शंस इज कॉल्ड स्टोइकोमेट्री। कैलकुलेशंस बेस्ड ऑन केमिकल रिएक्शन, बेस्ड ऑन केमिकल रिएक्शंस। इज कॉल्ड स्टोइकोमेट्री। तो स्टोइकोमेट्री में अपन जो भी केमिकल रिएक्शंस होंगे उन पे बेस्ड जो राइट ना कैलकुलेशंस करेंगे दैट दोज आर कॉल्ड स्टोइकोमेट्रिक कैलकुलेशंस। अब किसी भी रिएक्शन में क्या होगा, जब अपन स्टोइकोमेट्रिक कैलकुलेशन की बात करेंगे ना तो रिएक्शंस में होगा क्या, देयर विल बी डिफरेंट टाइप ऑफ रिलेशंस। जैसे क्या, जैसे अपन कहेंगे मास मास इसके मास से इसका मास कैलकुलेट करता है, तो दैट इज कॉल्ड मास मास रिलेशनशिप। एक के मास से दूसरे का मास कैलकुलेट, तो मास मास रिलेशनशिप। अगर किसी एक के मास से दूसरा, क्योंकि अमोनिया से गैस, अगर इसका वेट दे रहे हो आप, इसका मुझसे क्या कैलकुलेट करवाओगे, वॉल्यूम, तो मैं कहूंगा दैट इज अ मास वॉल्यूम रिलेशनशिप। मास मास रिलेशनशिप, मास वॉल्यूम रिलेशनशिप। अब इस रिएक्शन में तो सारी गैसेस हैं, ये भी गैस है, ये भी गैस है, ये भी गैस है, तो इनमें ना वॉल्यूम के रिलेशन बना सकता हूं। इसका 2 लीटर गिवन है, बताओ इसका कितने लीटर बनेगा, that will be called as volume-volume relationship. So, calculation of based on chemical reactions, these are of 3 types. एक तो mass से mass का calculation, दूसरा mass और volume का relation, third volume-volume relations हो सकते हैं। The calculation in chemical reaction can be of 3 types.
these calculations. Is classified in three types. One is mass-mass relationship. Other is mass-volume relationship. And the third one is volume-volume relationship. Third one is volume-volume relationship. Three types of volume. We all know that. We know that. How to calculate the number of moles of any compound from given weight. नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है? वेट इन ग्राम्स डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट. एटम है तो एटॉमिक वेट. नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स तो अपन कहते हैं भाई नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स डिवाइडेड बाय एवोकाडो नंबर वॉल्यूम. तो अपन लिखे हैं नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू वॉल्यूम इन लीटर्स डिवाइड बाय 22.2. और नंबर ऑफ मोल्स को अपन ऐसे भी लिख सकते हैं वॉल्यूम इन ml लिखो तो अपन 224.00 लिखते हैं. तो अपन कहेंगे भाई ठीक है ये पार्ट तो पढ़ते पढ़ते अब कितने बार बताओगे, मतलब कम से कम 10 बार तो बता ही चुके, तो ये पता तो है हमको कैसे कैलकुलेट करते हैं. तो हाउ टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एनी कंपाउंड. हाँ तो आप मुझे कुछ भी दे दो ना उस कंपाउंड के बारे में, वेट दे दो, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स दे दो, या वॉल्यूम लीटर बोल दो, एटीपी या वॉल्यूम एमएल में भी दोगे तब भी कैलकुलेट करते हैं. तो ये तो आप कई बार बता चुके हैं फिर भी लिख रहे हैं हम और बार बार लिखते जा रहे हैं. ठीक है चलेगा एक बार और लिखते. अब हमको ये पता है कि किसी भी मॉलिक्यूल के या कंपाउंड के कैसे कैलकुलेट करते हैं नंबर ऑफ मोल्स अगर इनमें से कुछ भी हमें गिवन है, क्योंकि बाकी पार्ट जो था ना उन्होंने कहा था ना डिनोमिनेटर में तो कांस्टेंट वाला पार्ट अपन कैलकुलेट कर सकते हैं. इन अ केमिकल रिएक्शन, इन अ केमिकल रिएक्शन इफ वी आर गिवन If we are given the number of moles of any molecule और वो number of moles any molecule मतलब मुझे any molecule का moles given है लेकिन वो इनसे calculate करवाया होगा. मे बी पॉसिबल मुझे उसका किसी भी reactant या product का. If in a chemical reaction, if we are given the number of moles of any molecule as a reactant or product, मुझे फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि reaction होगा तो उसमें reactant और product होंगे. As a reactant or product, तो मुझे किसी भी एक reactant या product का या तो weight given था या number of molecule given था या volume given था. Gases होगा तो volume given. तो मैं बाकी सभी के कैलकुलेट करके बता सकता हूं. देन वी कैन कैलकुलेट द
the number of moles. The number of moles of other reactant and product. All other reactants and products. मैं बाकी सबके लिए भी कैलकुलेट करके बता सकता हूं, अगर मुझे किसी एक के लिए गिवन है मैं बाकी के लिए भी कैलकुलेट करके बता सकता हूं। तो बाकी के लिए कैसे कैलकुलेट करोगे? तो चलो देख एक बार देखते हैं अपन, है नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करना अपन को आता है। सपोज मुझे एक रिएक्शन ऐसे क्या करना है, एग्जाम्पल ले लेते हैं, मुझे गिवन है एन टू प्लस थ्री एच और देन आई कैन राइट दैट ट्वाइस ऑफ एन एच थ्री, ये गिवन है। तो मान लेते हैं कि मुझे भाई इस इक्वेशन में हाइड्रोजन का 1 ग्राम गिवन था, तो अपन कहेंगे अच्छा 1 ग्राम गिवन है तो हाइड्रोजन का मोल्स आ जाएगा मेरे पास, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। तो इसके 1 ग्राम से अब इसके कितने मोल्स बन सकते हैं, इसके कितने मोल्स बन सकते हैं कैसे बताओगे? क्योंकि केमिस्ट्री में कोई भी कैलकुलेशन मासस से नहीं होते, मोल्स से ही होते। तो जब आपको इसका 1 ग्राम गिवन होगा तो इसके मोल्स कैलकुलेट करो, इसके मोल्स आ गए तो आपने लिखे हैं कि इन अ केमिकल रिएक्शन अपीयर गिवन द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एनी मॉलिक्यूल, बाकी के हम कैलकुलेट कर सकते हैं करके बता सकते। तो अपन कैसे मोल्स कैलकुलेट करेंगे? तो देखो भाई ये मेरे पास रिएक्शन है, पहले मैं इसमें ना मोल्स कैसे कोरिलेट करते हैं आपस में वो लिख देता हूं, बाद में अपन उसमें क्वेश्चन लिख लेंगे। तो देखो मैं यहां पर लिखूंगा, जैसे ये N2 है तो मैं लिखूंगा मोल्स ऑफ N2 डिवाइडेड बाय उसका मोलर कोएफिशिएंट। मोल्स ऑफ एच टू डिवाइड बाय उसका मोलर कोफिशियंट, उसका मोलर कोफिशियंट, और फिर मैं लिखूंगा मोल्स ऑफ एनएच थ्री और डिवाइड बाय उसका मोलर कोफिशियंट। तो मोलर कोफिशियंट लिखी दो ना, आपको पता तो है इसका मोल है, मोलर कोफिशियंट इसका 3 है, इसका 2 है, अब इतना सारा क्यों लिख रहे हो? तो अपन कहेंगे लिख दो और मोल्स ऑफ N2 मोलर कोफिशिएंट इज 1, मोल्स ऑफ H2 मोलर कोफिशिएंट इज 3, मोल्स ऑफ NH3 डिवाइडेड बाय मोलर कोफिशिएंट इज 2, ये तो लिख सकते ना अपन ऐसे। तो अपन ऐसे लिखते हैं, अब अपन कहेंगे भाई इसमें ना ये मतलब रेशियोस मतलब इक्वल लिखा मैंने, दिस इज इक्वल टू दिस इज इक्वल टू दिस, अब आप मुझे किसी एक के मोल्स दे दो। आपने H2 के मोल्स दिए, मैं इन दोनों को इक्वेट करके N2 के बता दूंगा, मैं इन दोनों को इक्वेट करके NH3 के बता दूंगा, आप बस किसी एक के मोल्स दे दो, बाकी मैं केमिकल रिएक्शन में किसी के भी कैलकुलेट करके बता दूंगा। तो सपोज करते हैं अपन को ऐसे के बारे, मैंने आपसे कहा कि भाई अगर आप मुझसे बोल दो कि मेरे पास ना N2 is 14 ग्राम, ठीक 14 डिवाइड बाय 28 करूंगा 0.5 मोल्स हो गए इसके। तो अगर इसके 0.5 मोल्स हैं तो इसके कितने होंगे? 3 से मल्टीप्लाई कर दो तो H2 के आ गए। तो NH3 के कितने होंगे? तो अपन कहेंगे 0.5 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, NH3 के आ गए। बस आपको कोई डाटा देना है किसी एक का, तो आपने लिखा तो है इन अ केमिकल रिएक्शन इफ वी आर गिवन द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एनी मॉलिक्यूल, तो नंबर ऑफ मोल्स की जगह आप किसी को एक डाटा दे दो इनमें से, तो मैं खुद ही कैलकुलेट कर लूंगा नंबर ऑफ मोल्स, बाकी के अपने आप ही बता दूं। तो अगर मान लो अपन ने यहां पर कहा सपोज वी आर गिवन मोल्स
NH3 is equal to 0.3. तो अपन कहेंगे ठीक है भाई, इधर 0.3 लिखो और उधर 3 से मल्टीप्लाई कर दो तो मोल्स ऑफ H2 आ जाएगा, देयरफॉर मोल्स ऑफ H2 विल बी इक्वल टू डिवाइड बाय 3 इज इक्वल टू मोल्स ऑफ NH3, क्योंकि NH3 गिवन था ना, मैं उसको ऐसे लिख लेता हूं, डिवाइड बाय 2, ये आपको 0.3 गिवन है, लिखो मोल्स ऑफ H2 3 इंटू 0.3 डिवाइडेड बाय 2, ये लो भैया आपने। मोल्स ऑफ N2 कितना होगा, तो कहेंगे ठीक है फिर इन दोनों को इक्वेट कर देता हूं, 0.3 डिवाइड बाय 2 इज मोल्स ऑफ N2, ओके ठीक है, ये इक्वेशन लिखना अपन को आता है, ये लिखना सबको आना चाहिए। हाँ तो आप अगर बैलेंस रिएक्शन दे दोगे तो फिर उसको लिखने में क्या है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, आप कुछ भी दे दो मुझे क्या फर्क पड़ेगा, आप अगर मान लो ऐसे लिखना है तुमको, आपने मुझसे कहा जैसे वहां पर लिखा हुआ है अपने पास, मान लो मेरी मर्जी मैं ऐसे लिखता हूं, इन अ गिवन रिएक्शन मेरे पास एक कोई रिएक्शन ले लेते हैं तो एक दूसरे काम पर, इन अ गिवन रिएक्शन ये रिएक्शन है मेरे पास, ये रिएक्शन है मेरे पास, इफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सी इज इक्वल टू 0.4, कैलकुलेट मोल्स ऑफ ए बी एंड डी, ठीक है भाई, तो पहले अपन ये लिख लेते हैं कैसे कोरिलेट करते हैं किसी केमिकल रिएक्शन में मोल्स को, मोल्स ऑफ जैसे इसमें लिखा था आपने, मैं इसमें लिख लूंगा मोल्स ऑफ A2, मोल्स ऑफ A डिवाइड बाय 2, मोल्स ऑफ बी डिवाइड बाय 3, मोल्स ऑफ सी डिवाइड बाय 7 एंड मोल्स ऑफ डी डिवाइड बाय 5। लो अब क्या करें, हाँ तो इसमें से आपको गिवन है ना कि सी इज इक्वल टू 0.4, तो लिख लो बाकी सब कैलकुलेट कर देते हैं, देयरफॉर मोल्स ऑफ A, पहले लिखूंगा गिवन सी इज इक्वल टू 0.4, लिखने की जरूरत नहीं, मोल्स ऑफ A विल बी इक्वल टू 2 इंटू मोल्स ऑफ C डिवाइड बाय 7, सो 2 इंटू 0.4 डिवाइड बाय 7, ये लो भाई आपने 0.857 है ना, किसी को डाउट है तो बताओ, 0.857 आ गया अपने पास, आपको मोल्स ऑफ A चाहिए था और C मुझे गिवन है, तो अब जो गिवन है तो उससे ही बाकी सारे अपन कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है, तो मोल्स ऑफ B बता देते हैं भाई, अब मोल्स ऑफ B इज इक्वल टू, अब इन दोनों को इक्वल कर देते हैं तो 3 इंटू मोल्स ऑफ C डिवाइड बाय 7, तो अपन लिखेंगे भाई 3 इंटू 0.4 डिवाइड बाय 7, सो 1.2 डिवाइड बाय 7, लो भाई आ गया, तो मोल्स ऑफ डी, अब मोल्स ऑफ डी लिखेंगे तो विल राइट दैट कितना हो जाएगा, दैट विल बी डी ना, इन दोनों से लिखेंगे अपन, तो इसमें 5 लिखेंगे अपन, तो 5 इंटू मोल्स ऑफ सी डिवाइड बाय 7, तो 5 इंटू 0.4 डिवाइड बाय 7, तो अपन लिखेंगे 2.0 डिवाइड बाय 7, ये लो भाई 2/7 आ गया, किसी को डाउट है उन सभी के मोल्स कैलकुलेट करें। अब जैसे पर मोल्स ऑफ H2 आ गया था अपने पास, तो आप वेट ऑफ H2 पूछ लो, वॉल्यूम ऑफ H2 पूछ लो, आपकी मर्जी, क्योंकि मोल्स से वॉल्यूम भी कैलकुलेट करना आपको आता है
मोल से नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी कैलकुलेट करना आता है आपको और मोल से वेट भी कैलकुलेट करना आता है। समझ में आया? ठीक है, अब मैं आपको ऐसे एक रिएक्शन दूंगा, आप मुझे लिख के बता सकते हैं, ठीक है ना। ये जैसे मैंने आपको लिख के बताया, तो आप एक मुझे कैलकुलेट करके बताओ, मेरे पास ये रिएक्शन है, आप उसमें मुझे बताने वाले हो बाकी सबके नंबर। In a given reaction, the number of moles of A is 0.3. Calculate the moles of other reactant and product. So when I say like that, A price of A plus twice of B gives you 5C plus D. तो इसमें आप कैलकुलेट करके बताओ मुझे सभी के मोल्स, B, C और D, इसमें A के मोल्स आपको गिवन है। तो मेरे ख्याल से आपने कैलकुलेट कर लिया होगा, मैं आंसर बताऊं, ठीक है। तो मैं डायरेक्टली आंसर लिखूं पहले या पहले ऐसे लिखूं? मैं मोल्स वाला पार्ट मैं डायरेक्टली आंसर लिखता हूं। अब ए के मोल्स गिवन है, तो बी के मोल्स अपने पास आए 2/3 × 0.3, ठीक है। सी के मोल्स अपने पास आए, दैट विल बी 5/3 × 0.23, और डी के मोल्स मेरे पास आएंगे, दैट विल बी इक्वल टू 1/3 × 0.3। तो इसके मोल्स आ गए अपने पास 0.2, इसके मोल्स अपने पास आया 0.5 और इसके मोल्स आया अपने पास 0.1। मेरे ख्याल से यही आंसर आया, सबका आंसर आया। तो या फिर अपन कैलकुलेट कर सकते थे, भाई ये तो मैंने आपको आंसर बताया, या फिर अपन ऐसे लिख सकते हैं मोल्स ऑफ ए डिवाइडेड बाय उसका मोलर कोफिशिएंट कितना है 3, मोल्स ऑफ बी डिवाइड बाय 2, मोल्स ऑफ सी डिवाइड बाय 5 एंड मोल्स ऑफ डी डिवाइडेड बाय 1। तो ठीक है, ये अपन को गिवन है, तो 0.3 बी कैलकुलेट करना है। तो मोल्स ऑफ बी इक्वल टू ये 0.3 गिवन है बिल्कुल, सो 0.3 × 2 / 0.2 आ गया। अब मेरी ख्याल से आप सब कैलकुलेट कर सकते हैं। अब मैंने तो क्या किया, ये डायरेक्टली लिखने थे तो मैंने तो ऐसे, ये अब इतना कौन लिखता मोल्स ऑफ ए, मैंने तो सीधा ऐसे लिखा a/3 = b/2 = c/5 = d/1। अब मुझे पता तो है जो ए बी सी डी लिखा हुआ है वो मोल्स है। अब ये 0.3 गिवन था तो बी मेरे पास ये आ गया,
ये 0.3 गिवन तत्व सी मेरे पास, 5 से मल्टीप्लाई कर दिया मुझे 0.3 गिवन तत्व डी के लिए मैंने 1 से मल्टीप्लाई, थोड़ा मतलब जल्दी लिखने के ऐसे टाइम वेस्ट नहीं करेंगे क्योंकि क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए तुमको टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। तो अब अपन बात करते हैं, अब देखो अपन को क्या सीख, अपन ने सीख लिया कि भाई किसी के भी मोल्स से बाकी के मोल्स कैसे कोरिलेट करते हैं। अब बात करते हैं अपन कि आप मास मास रिलेशनशिप लिखो या मास वॉल्यूम रिलेशनशिप लिखो या वॉल्यूम वॉल्यूम रिलेशनशिप। ठीक है भाई, हमें क्या करना पड़ता है, हमें तो मोल्स कैलकुलेट करना आ गया और रिएक्शन मोल्स को कोरिलेट करना आ गया। अब आप कोई भी क्वेश्चन दे दो हमें, हमें क्या करना है। चलो भाई देख लेते हैं क्वेश्चन अगर है। ठीक है, अब अपन क्या करते हैं कोई क्वेश्चन लिख लेते हैं। एक क्वेश्चन अब मुझे ऐसे कैलकुलेट द मास ऑफ, अब मैं आपको पहले लिखूं या मास मास रिलेशनशिप है या मास वॉल्यूम रिलेशनशिप है, ये क्वेश्चन करते हैं और वहीं बता दूंगा कि क्या है। आप बोलो तो मतलब कर लेते हैं भाई मास मास रिलेशनशिप का पहले एक एग्जांपल, फिर अपन मास वॉल्यूम का कर लेंगे। तो अपन ऐसे ही कर लेते हैं, पहले मास मास रिलेशन का एग्जाम्पल ले लेते हैं, एक एक एग्जाम्पल कर लेते हैं, फिर आप मिक्सड एग्जाम्पल करवा दो क्योंकि ऐसे कोई मतलब सेपरेट करने के लिए कोई जरूरी थोड़ी है अपन को, अपन तो कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं भाई, कोई प्रॉब्लम नहीं है अपन को। ठीक है ना, तो अपन ऐसे करते हैं कैलकुलेट द मास ऑफ H2 फॉर्म व्हेन 2.4 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम रिएक्ट्स विथ 2.4 ग्राम ऑफ HCl। अब भाई मेटल को HCl से रिएक्ट करोगे तो हाइड्रोजन लिबरेट होगा ही होगा, तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल है। चलो अभी हमको रिएक्शन के लिए था कि मैग्नीशियम को रिएक्ट करते हैं HCl के साथ तो मैग्नीशियम क्लोराइड बनेगा, ये अपन को पता है, और H2 बनेगा, ये अपन को गिवन है। कोई बात नहीं, अपन कहेंगे इसका मास कितना गिवन है अपन को, तो अपन को ये पता है इसमें मोल्स कैसे कोरिलेट करना है अपन को पता है। अब मैं पहले आंसर लिख लेता हूं गिवन है ना, मास ऑफ मैग्नीशियम इज इक्वल टू 2.4 ग्राम। अगर मुझे कोई मास गिवन है तो इनमें से किसी का भी कोई भी डाटा गिवन है तो मुझे गिवन है तो मैं उसके मोल्स कैलकुलेट कर सकता हूं, और अगर इसके मोल्स आ गए तो मैं बाकी सबके मोल्स भी बता सकता हूं। तो मैं लिखूंगा इसमें मोल्स ऑफ Mg is equal to 2.4 divided by 24. That is equal to 0.1. Atomic mass of magnesium is atomic weight of Mg is equal to 24. ठीक है भाई, इसलिए आपने 24 से डिवाइड किया, वेट इन ग्राम डिवाइडेड बाय एटॉमिक वेट, एटम की बात कर रहे थे आप तो मैंने एटॉमिक वेट से डिवाइड कर दिया उसे। ठीक है ना, अपन को पता है मोल्स ऑफ Mg डिवाइडेड बाय 1 मोल्स ऑफ, अब इन सब को लिखने की जरूरत क्या है, इन दोनों को कोरिलेट करना है उन्हीं को लिख लो भाई। अपन को पता है ना कि जब उन्हीं दोनों को कोरिलेट करना है तो बाकी सब लिखने की क्या जरूरत है। MgCl2 डिवाइडेड बाय 1 इज इक्वल टू मोल्स ऑफ H2 डिवाइड बाय 1। अपन क्या करेंगे भाई, जब अपन को इस क्वेश्चन में गिवन तो है कि आपको मैग्नीशियम का डाटा गिवन था 2.4 ग्राम और इसका मास पूछा है, तो अपन क्यों फालतू में फिर ये सब पूरा लिखें, सीधे इन इन दिस इज इक्वल टू दिस लिख लो। तो अपन लिखेंगे इसके मोल्स कितने हैं 0.1, तो H2 के मोल्स भी उतने ही आ गए क्योंकि यहां तो मोलर कोएफिशिएंट ही 1:1 लिख देते हैं भाई, मोल्स ऑफ H2 0.1। और ये मोल्स अपन ने कैसे कैलकुलेट किया अपन को पता है, वेट इन ग्राम डिवाइडेड बाय एटॉमिक वेट से। ये भी मेरे पास मोल्स ऑफ H2 आ गया, तो नंबर ऑफ मोल्स
इज इक्वल टू होता है वेट इन ग्राम डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट, या एटम के लिए एटॉमिक वेट, तो पढ़ा हुआ है अपन ने। अब इसका वेट इन ग्राम गिवन था, तो अपन ने वेट इन ग्राम डिवाइड बाय 24 कर लिया एटॉमिक मास से, तो अपने पास उसके मोल्स आ गए। इसके मोल्स से बने इसके मोल्स कैलकुलेट कर लिए। कैसे कैलकुलेट किए आपको आता है, रिएक्शन में कैसे कोरिलेट करते हैं। H2 के मोल्स आ गए। अब आपने H2 का क्या पूछा है, मास पूछा है, ठीक है। अगर मेरे पास किसी के मोल्स हैं तो उसके मॉलिक्यूलर मास से मल्टीप्लाई करो, उसका वेट इन ग्राम आ जाएगा। जब वेट इन ग्राम था तो मोल्स कैलकुलेट कर लिए, अभी मोल्स है तो वेट इन ग्राम से वेट इन ग्राम कैलकुलेट कर लेते हैं। देयरफॉर वेट ऑफ H2 इज इक्वल टू 0.1, उसके मोल्स हो गए मल्टीप्लाई बाय मॉलिक्यूलर वेट हो गए। तो हम कहेंगे 0.1 × 2 दैट इज इक्वल टू 0.2 ग्राम्स। लो ये अपना आंसर 0.2 ग्राम्स, ये अपना आंसर 0.2 ग्राम्स अपना आंसर हो गया। तो ये अपना आंसर है, अपन कैलकुलेट करके बता देंगे भाई आंसर ऐसे है। तो ये अपना आंसर होगा और रिजल्ट होगा। आज अपन इतना ही पढ़ते हैं। अब आप होमवर्क देख लो क्या है, तो अपन लिखेंगे भाई होमवर्क में ना, पहले तो आप पूरा एटॉमिक स्ट्रक्चर कंप्लीट करो। कंप्लीट एटॉमिक स्ट्रक्चर, इंट्रोडक्शन टू केमिस्ट्री, ये कंप्लीट करो। नेक्स्ट क्लास में वी आर गोइंग टू डिस्कस द डाउट्स। नेक्स्ट क्लास में पहले अपन डाउट्स करेंगे किसके, पहले एटॉमिक स्ट्रक्चर करेंगे, फिर आप इंट्रोडक्शन टू केमिस्ट्री भी कर सकते हो, क्योंकि मैंने बहुत सारा पार्ट पढ़ा दिया आपको इंट्रोडक्शन टू केमिस्ट्री का। तो आप नेक्स्ट क्लास में ये दोनों ही कर सकते हो। जो नया स्टूडेंट था ज्वाइन किया उसको भी बहुत सारा पार्ट पता चल गया मोल्स का, अब वो इंट्रोडक्शन टू केमिस्ट्री भी सॉल्व कर सकते हैं। तो पहले इसको कंप्लीट करो ताकि आपका जो कमिंग टेस्ट है उसके लिए हम प्रिपेयर रहे, फिर अपन इसका होमवर्क नेक्स्ट टाइम करो, पहले वो कंप्लीट करो, ठीक है। और डीपीपीज भी सॉल्व कर रहे हैं, आपको डीपीपीज मिले ना, डीपीपीज मिला होगा आपको, वो भी सॉल्व करते हैं। पहले आप कंप्लीट करो एटॉमिक स्ट्रक्चर जो बचा हुआ पार्ट है, क्योंकि एक्सरसाइज 1 ऑलमोस्ट कंप्लीट है हमारा, एक्सरसाइज 2 भी कंप्लीट है, एक्सरसाइज 2 का थोड़ा बहुत पार्ट बचा होगा, तो एक्सरसाइज 2 और 3 वो सारा कंप्लीट करो आप। सर केमिस्ट्री का नहीं मिला डीपीपी, डीपीपी नहीं मिला, ठीक है मैं बात करता हूँ। मिला है तो संहिराज देखो उसमें आपको मिला होगा, बाकी लोगों को मिला है तो तुमको भी मिला होगा, चेक कर लेना, नहीं मिला है तो ऑफिस में बता देना कि हमको नहीं मिला, ठीक है। तो आज अपन यही रुक जाते हैं, फिर नेक्स्ट टाइम पढ़ेंगे, ठीक है। चलो भाई, थैंक यू सर।